स्वागत है आप सभी का आज के इस SBI डिस्कशन में, जहां पर हम लोग बात करेंगे SBI ST नंबर 10 की और जहां हम लोग बात करेंगे मैथ्स की। देखिए, अभी तक की ST में हम लोगों ने जो भी चर्चाएं करी, हमने आपको बताया कि एग्जाम में क्वेश्चन को आप जल्दी कैसे करो, साथ ही साथ हम लोगों ने कुछ ट्रिक की भी बात करी थी। तो आज की इस ST में हम लेके आए हैं कि आपके सामने जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। अगर नजर डालें पहले क्वेश्चन पर, तो पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है कि देखिए, एक स्कूल में लड़के और लड़कियों का अनुपात क्रमश कितना है? 4:5 है। कह रहा है कि लड़के और लड़की का अनुपात कितना है? अगर हम बॉयज गर्ल्स की बात करें तो अनुपात कितना गिवन है? 4:5। आगे कह रहा है कि 200 लड़कियों के स्कूल छोड़ने के बाद अनुपात कितना हो गया? 6:7। अब देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, आप इसको एक्स मान के भी कर सकते थे, लेकिन हमने क्या बोला, हम क्विकर अप्रोच बताएंगे कि जल्दी कैसे करना। देखिए, बॉयज गर्ल्स का रेशियो 4:5 था, बाद में कितना हो गया? 6:7। ये अनुपात 6:7 कब हुआ? जब लड़कियों ने स्कूल छोड़ा। इसका मतलब जो लड़के पहले थे वो अब भी है। लड़कों की अगर बात करें, लड़के पहले कितने हैं? 4, अब कितने हैं? 6। लड़के सेम रहेंगे तो हम क्या करेंगे, बॉयज को हमने जब सेम किया तो यहां मल्टीप्लाई 3 की करी और यहां जब 2 की मल्टीप्लाई हमने की तो अनुपात हमें कितना मिला? 12:15 कितना हो जाएगा? 15। और यहां से कितना मिल जाएगा? 12:14। इसका मतलब ये, पहले लड़के 12 थे, अब भी कितने हैं? 12 हैं। पहले लड़कियां 15 थी और अब लड़कियां कितनी हो गई? 14। अब ये 15 से 14 कब हो रही है? जब 200 लड़कियां स्कूल छोड़ रही हैं। तो यानी हम बोल सकते हैं कि जो एक रेशियो का डिफरेंस आ रहा है, दिस वन रेशियो मस्ट बी इक्वल टू 200। जो ये एक रेशियो होगा, इसका मान किसके बराबर होगा? 200 के। क्या पूछा है उसने? स्कूल में लड़कों की संख्या, और लड़के कितने हैं हमारे पास में? 12। जब 1 = 200 है तो 12 = कितना हो जाएगा? 2400। तो लड़कों की जो संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी? 2400। तो इस जो प्रश्न का सही उत्तर होगा वो हमारा हो जाएगा 2400। तो इस तरीके से हमने देखा कि इसमें एक्स मानने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इस क्वेश्चन को एग्जाम में कर सकते हैं। चलिए आज नजर डालें अगर हम दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर है कि 2 वाटर फिल्टर की कीमत 3 मिनी मिक्सर की कीमत के बराबर है। वाटर फिल्टर को हमने नाम दिया W से। 2 वाटर फिल्टर की कीमत 1 मिनी मिक्सर, मतलब अगर हम बोले 2 वाटर मिक्सर किसके बराबर है? 1 मिनी मिक्सर को हमने डबल अंक दिया, राइट। 2 वाटर फिल्टर की जो कीमत है 1 मिनी मिक्सर के बराबर है। यहां से अगर हम देखें तो वाटर फिल्टर और जो मिनी मिक्सर का जो अनुपात है वो कितना हो जाएगा? 1:2। आगे समझिए क्वेश्चन को। आगे क्वेश्चन ने बोला, यदि 2 मिनी मिक्सर की कीमत और 3 वाटर फिल्टर की कीमत कितनी है? 5425। अब ध्यान देने वाली बात देखिए, 2 क्या है? मिनी मिक्सर। 2 मिनी मिक्सर का मतलब कितना हो गया? 4। और क्या है? 3 वाटर फिल्टर है, क्योंकि देखो वाटर 1 और ये मिनी मिक्सर 2, अनुपात है इसमें। तो यही लाइन को समझिए, 2 मिनी मिक्सर, जब 2 मिनी मिक्सर होगा तो वाटर में कितना हो जाएगा? 4 और 3, यानी हम बोल सकते हैं जो 7 रेशियो हो जाएगा, यानी 7 वाटर फिल्टर जो हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? कॉस्ट कितनी गिवन है हमें? 5425। ऑलराइट, रिपीटिंग अगेन, 2 वाटर फिल्टर की जो कीमत थी वो 1 मिनी मिक्सर के बराबर थी। हमने रेशियो यहां से अनुपात निकाला कि वाटर फिल्टर और मिनी मिक्सर का जो अनुपात होगा वो कितना होगा? 1:2। अब देखिए आगे कह रहा है कि 2 मिनी मिक्सर, 1 = 2 है, 2 = कितना हो जाएगा? 4। यानी 4 किसके बराबर? वाटर फिल्टर, और 3 वाटर फिल्टर दे ही रखा है। 7 वाटर फिल्टर किसके बराबर? 5425। तो यहां से निकल के आया कि जो 1 वाटर फिल्टर होगा वो कितने का हो जाएगा? देखिए 7 × 7 = 49, राइट। कितना बचा? अगर यहां से 52, अगेन 7, और यहां से बचेगा आपका कितना? देन 5। तो यहां से हमें मिला कितना? 1 वाटर फिल्टर की जो कीमत है वो कितनी है? 775 रुपए। क्वेश्चन ने क्या पूछा? 1 मिनी मिक्सर की कीमत, जब 1 वाटर कितने का है, मिनी मिक्सर की कीमत पूछ रहा है, तो मिनी मिक्सर की कीमत क्या होगी? इसकी दुगना होगी। तो क्या करेंगे? 1 = कितना हो गया? 775। मिनी मिक्सर कितना है? 2। तो 1:2 इतना
तो जो दो बराबर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 1550। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 1550। यानी हमने देखा कि इसी क्वेश्चन को हम एक्स मान के भी कर सकते थे, आंसर आएगा, लेकिन रेशियो से अगर आप करोगे तो आंसर बहुत जल्दी आएगा। चलिए अगर दूसरे क्वेश्चन पर नजर डालें तो तीसरा क्वेश्चन हमें दिया गया है नंबर सीरीज से। देखिए वीडियो डीजी पेज में भी हमने बताया था कि नंबर सीरीज के लॉजिक क्या हो सकते हैं। लास्ट टाइम भी हमने बताया था कि जब भी आपके सामने नंबर सीरीज आए, ध्यान देने वाली बात यह है कि नंबर सीरीज तो आएगी ही आएगी, तो इस पार्ट पे हमें ज्यादा फोकस करना है क्योंकि ये पांच नंबर स्कोरिंग होंगे हमारे। इसी क्वेश्चन पर अगर नजर डालें तो आप देखिए कि नंबर जो शुरू हुआ 98 से पहुंच गया कहां पे 19866 पे, छोटा सा नंबर शुरू हो रहा है बहुत आगे तक पहुंच रहा है, तो मतलब यह है कि मल्टीप्लीकेशन होगा। पहला तो हम श्योर है कि कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है तभी हम इतना आगे जा रहे हैं, या कुछ स्क्वायर हो सकता है प्लस समथिंग, या क्यूब करके भी कुछ प्लस हो रहा है। तो इसी क्वेश्चन पर अगर बात करें तो देखिए 98 से कितना हो गया 192। अगर मैं 98 की मल्टीप्लाई जब 2 से करूंगा, 98 की जब मैंने मल्टीप्लाई किससे करी 2 से करी, कितना मिला मुझे 2 8 16, देन 2 9 18 एंड देन 196, और यहां पे कितना है 192, कुछ कुछ मैच कर रहा है। इसी चीज को अगर हम लिखें 98 था, इस 98 में अगर हम 2 माइनस करें कितना हो जाएगा 96, फिर उसकी मल्टीप्लाई हम किससे करें 2 से करें, तो जब आप 96 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे यू विल गेट कितना मिलेगा आपको 192। तो हमने देखा कि जो आइडिया भी हमारे दिमाग में आया हमने उसको फॉलो किया तो पहले नंबर के बाद दूसरा नंबर हमें मिल गया। क्या ये अप्रोच आगे भी फॉलो करेगी? अब देखिए 192 के बाद हमें क्या चाहिए 570। हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि 190 की अगर हम 3 से गुणा करें कितना मिलेगा 570। अगला लॉजिक हुआ कि 192 में कितना माइनस करना है, 2 ही माइनस करना है, और क्योंकि हमें 570 चाहिए तो गुणनफल किससे गुणा किससे करनी पड़ेगी 3 से। जब 3 से हमने मल्टीप्लाई किया तो 190 × 3 कितना हो जाएगा 570। यानी लॉजिक हमारा फॉलो कर रहा है, अभी तक दो टर्म पे तो फॉलो कर रहा है, आगे भी करना चाहिए। ऐसी अगर हम देखें इस 570 में, क्योंकि माइनस 2 का ही चल रहा था तो हम 2 का ही फॉलो करेंगे, जब माइनस 2 किया कितना हो जाएगा 568। और हमें कितना चाहिए 570 के बाद 2840। अब 2 3 आया, अगर यहां से देखें कितना मिलेगा हमको, यहां से हमको मिलेगा 568 और हमें चाहिए कितना 2840। अब देखिए 568 को हमें 2840 चाहिए, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नहीं पहुंच पाएंगे, किससे करना पड़ेगा नियर अबाउट 5 से, क्योंकि 6 से करेंगे तो 3000। जब 5 से हमने मल्टीप्लाई करी तो हमें कितना मिला 2840। यानी कुछ कुछ अभी पूरा तो क्लियर नहीं है लेकिन कुछ कुछ क्लियर है कि माइनस 2 फिर 2 हुआ फिर 3 हुआ फिर 5 पे भी सेटिस्फाई कर रहा है। अब देखिए 2840 के बाद हमें सीधे जंप करना है किस पे 19866 पे। सेम चीज अगर हम फॉलो करें तो 2840 में जब 2 माइनस किया तो 28 कितना हो जाएगा 38, 2 माइनस किया इतना मिला। अब 5 के बाद क्या आना चाहिए, 7 से अगर करें तो 7 8 56 मैच कर रहा है, 7 8 जा और 7 × 14 = 5 = 19। मल्टीप्लाई जब 7 से आप करोगे तो आपको सेम नंबर मिलेगा। अब ध्यान देने वाली बात यहां पर यह है, 2 से किया 3 से किया 5 से किया फिर 7 से किया, तो यानी जो मल्टीप्लीकेशन है वो 2 3 5 7। तो अगला क्या होगा, क्या इसमें 2 2 का सीक्वेंस चल रहा है, 2 3 पे डिफरेंस 1 का है यहाँ डिफरेंस 2 का है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि यहाँ पे 2 का डिफरेंस तो यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस। आप देखिए बहुत अच्छी नंबर सीरीज है, मल्टीप्लीकेशन पहले 2 का फिर 3 का फिर 5 का फिर 7 का, तो अगला जो नंबर होगा आप यहीं से देख के बताएं हमें ये 2 3 5 7 क्या है, ये प्राइम नंबर है यानी अभाज्य संख्या है, मतलब माइनस 2 करना है और मल्टीप्लीकेशन जो होगा वो प्राइम नंबर का, यानी अगला जो हमें मिलेगा 19866 में कितना माइनस करना है 2। तो जब आप 19866 में 2 माइनस करोगे तो कितना मिलेगा 19864। ऑलराइट, मल्टीप्लाई किससे करनी है आपको,
क्योंकि देखिए सारे जो ऑप्शन हैं 2500 2100 सारे बड़े हैं, यानी मल्टीप्लाई किससे होगी, जब 10 गुना करेंगे तब हम समथिंग पहुंचेंगे, मतलब 11 से ही करना है। तो 11 से आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने पे आपको मिलेगा 218504। तो हमने देखा कि इस नंबर सीरीज का जो पैटर्न था वो पैटर्न ये था कि माइनस तो दो करना है सब में, लेकिन जो मल्टीप्लीकेशन है वो क्या है, प्राइम नंबर का है। तो अच्छी नंबर सीरीज थी, अच्छा लॉजिक था, माइनस टू किया, मल्टीप्लीकेशन किसका, प्राइम नंबर का। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 218504। राइट, नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालें तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमें दिया गया है नंबर सीरीज से। ठीक है, 5 क्वेश्चन कम से कम आपको नंबर सीरीज के देखने को एग्जाम में मिलेंगे। करना क्या है, आपको लॉजिक देखना है। इसी नंबर सीरीज की अगर बात करें, 80 से कितना हो रहा है, 120 से 240, 600, फिर 1800 एंड सो ऑन, हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू चाहिए। अब एक आइडिया देखिए, आप भी लोग सोचिए कि 80 के बाद 120 कब मिलेगा। 80 की मल्टीप्लाई अगर 2 से करें तो कितना हो जाएगा, 160। 80 की मल्टीप्लाई 1 से करें तो 80 होगा, लेकिन हमें कितने का डिफरेंस है, 40 का। हम बोल सकते हैं कि अगर 80 की मल्टीप्लाई हम 1.5 से करें तो कितना मिल जाएगा, 15 × 8 = 120। ऑल राइट, अब 120 से 240 क्लियरली दिखाई दे रहा है कि मल्टीपल क्या है, 2 का। तो यहां से हमने देखा कि अभी जो 2 में पैटर्न चल रहा है, 1.5 के बाद कितना है, 2, मतलब 0.5 बढ़ा के मल्टीप्लाई हो रही है। 24 600 कैसे आएगा, 24 दूनी कितना हो जाएगा, 48 है कितना, 60, यानी 600। तो मल्टीप्लाई किससे होगा, जब 0.5 का डिफरेंस है तो अगला नंबर हो जाएगा 240 की मल्टीप्लाई 2.5 से। तो जब 240 की मल्टीप्लाई 2.5 से आप करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 600। यानी अब स्पष्ट हो गया कि इस नंबर से इसका जो पैटर्न है वो क्या है, 1.5 का मल्टीपल, 2 का मल्टीपल, देन 2.5 का मल्टीपल, एज इट इज 3 का मल्टीपल, क्लियरली दिखाई दे रहा है, 600 × 3 = 1800। अब अगला नंबर आप ही बताइए क्या होगा, अगला नंबर हो जाएगा हमारा 1800 की मल्टीप्लाई 3 के बाद किसके, हमने 3.5। तो जब 3.5 से करेंगे तो 18 3 कितना, 54, और प्लस कितना, 900, तो कितना हो जाएगा हमारा, यहां से हमें मिलेगा 6300। तो चेक कर लेते हैं एक बार, ऑप्शन में है क्या, अब चेक कीजिए, दूसरा ही ऑप्शन है। तो इसका मतलब जो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 6300, यानी 6300 इसका सही उत्तर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर नजर डालें, तो अगला क्वेश्चन भी हमें दिया गया है कहां से, नंबर सीरीज से। अब इस नंबर सीरीज पे गौर फरमाइएगा, पहला नंबर क्या है, 9, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर 105 है, फिर अब देखिए नंबर जो शुरू हुआ 9 से और कहां पहुंच गया, 2545 पे। नंबर शुरू हुआ 9 से पहुंच गया 2545 पे, यानी कुछ मल्टीप्लीकेशन या कुछ क्यूब या फिर कुछ प्लस हो रहा है, क्या हो रहा है पहले देखते हैं। लेकिन दूसरे में ही क्वेश्चन मार्क है, तो पहले पे अगर आप कोई भी लॉजिक लगाओ तो कहना गलत होगा कि आप जो कर रहे हो वही हो। हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन मार्क को आप एज इट इज रहने दो, क्योंकि यहां पे हमें श्योर नहीं कि कुछ भी आ सकता है, मोबाइल 9 × 18 भी हो सकता है, 9 × 3 = 27, कुछ भी पॉसिबल है। इसी को अगर चेक करें, पहले हम इसमें एक पैटर्न देखते हैं कि इसमें क्या पैटर्न है, 105 से 484 कैसे हो रहा है। देखिए 105 की मल्टीप्लाई जब आप 4 से करोगे तो यहां से, जब 105 की मल्टीप्लाई किससे करें हम, जब 105 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो हमें मिल जाएगा 420। राइट, कितना चाहिए था, 484 की कमी कितने की, 64 की, 64 अगर जोड़ेंगे तभी यही मिलेगा। अब क्या करना है देखिए, 420 64 मल्टीप्लाई 4, और 64 क्या है आपको दिखाई दे रहा है, 64 क्या है, ये 64 है 4 का क्यूब। यानी अगर हम ऐसा बोले कि 105 की जो मल्टीप्लाई हुई वो किससे हुई, 4 से हुई, और फिर उसी में 4 का जो क्यूब है वो जोड़ दिया तो अगला नंबर मिल गया। ऐसी अगर देखें, 4 था, 484 से कितना चाहिए, 2545, तो अगले पे भी फॉलो करना चाहिए। 484 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, अब देखिए आप लोग बताइए, अगर हम 484 की मल्टीप्लाई 5 से हम करें तो कितना मिलेगा, देखिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और क्या करना है, उसी का क्यूब हमें ऐड करना है। तो 5 का क्यूब अगर हम ऐड करेंगे, देखिए साफ साफ दिखाई दे रहा है, 5 चौको 20,
जीरो आएगा और लास्ट में 125 यानी समथिंग मैच कर रहा है। तो लॉजिक क्लियर हो रहा है कि ये मल्टीप्लाई चार का, तो अगला क्या होगा, ये इसका तीन का, तो इसका लॉजिक क्या हो जाएगा, देखिए 9 की मल्टीप्लाई किससे, 2 से, क्योंकि तो यहां पे क्या है 4, ये 3 और ये 2 होगा, तो 9 की मल्टीप्लाई 2 से करी तो कितना मिलेगा 18 प्लस उसी का क्यूब, उसी का क्यूब मतलब 2 का ही हम क्या करेंगे इसमें क्यूब करेंगे, तो 9 दूनी 18 और 8 कितना हो जाएगा 26। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर जो वैल्यू हमें मिली वो कितनी मिली 26। अब देखिए 26 तिया कितना हो जाएगा 26 की जब आप मल्टीप्लाई 3 से करोगे और जब 3 का ही क्यूब जोड़ोगे आपको मिलेगा 105। तो हमने देखा कि इस नंबर सीरीज में जो लॉजिक था, लॉजिक ये था कि मल्टीप्लाई 2 से कीजिए तो 2 का ही क्यूब करना है, अगर मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 3 का ही क्यूब, इस तरीके से हमारी नंबर सीरीज चल रही थी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा आपका 26, यानी जो पांचवा ऑप्शन है वही इसका सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर जो कि है नंबर सीरीज से। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन का आंसर आप ही लोग दीजिएगा, नंबर सीरीज पे एक बार फोकस कीजिए कि देखिए पहला नंबर क्या है 16, फिर नंबर है 7, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर समथिंग पॉइंट में 18.25 एंड देन 59.875 राइट, नाइट 16 के बाद 7 फिर क्वेश्चन मार्क, पहला नंबर 16 फिर 7 कम हो रहा है। आप ऐसा भी बोल सकते हो कि 16 में से अगर हम कितना माइनस करें, 9 माइनस किए तो कितना मिला 7 मिला। अब आगे पॉइंट में चल रहा है, इसका मतलब कि कुछ मल्टीपल जो हो रहा है वो पॉइंट का हो रहा है, मतलब कि देखिए अगर 16 की मैं मल्टीप्लाई किससे करूं, 16 मुझे 7 चाहिए, कैसे आएगा 16 का जो आधा होगा वो कितना हो जाएगा 8 है ना। अगर हम देखें 16 की मल्टीप्लाई किससे करें, हम पॉइंट 5 से करें तो कितना हो जाएगा 8 चाहिए 7, तो माइनस जब 1 किया तो हमें 7 मिल गया। अगला नंबर क्या होगा, क्योंकि क्या हो रहा है सेम ऐसी 16 के बाद जो अब 7 मिल चुका है, अगला नंबर हो जाएगा जब हमने क्या लिया 0.5 माइनस 1। अब इसी पे अगर फॉलो करें, देखिए यहाँ पे जो गिवन है कुछ नंबर यहाँ पे होगा, उसके बाद सम देखिए क्वेश्चन मार्क है, कुछ भी हो सकता है, 18 से हमें 59.875 कैसे मिला, क्लियरली दिखाई दे रहा है कि अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25 या 75 मिलेगा, अगर 3.5 से करोगे तो अप्रोक्स में ये मिल सकता है, या ऐसा भी अगर हम बोले 16 × 0.5 माइनस 1 7 मिला, अगला नंबर पे अगर लॉजिक लगाए हम 7 × 1.5 डिफरेंस हमने कर लिया, तो 15 × 7 = 1.5 का मतलब कितना हो गया 10 पॉइंट, देखिए 15 × 7 कितना हो जाएगा 10.5 माइनस जब आप 1 करोगे तो कितना मिलेगा आपको, जब आप यहां से करोगे तो कितना मिलेगा आपको 9.5। ऑप्शन में है क्या, चेक करें तो कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन अगर हम यहां पे 2 माइनस कर दें तो हमें कितना मिला 8.5 जो कि हमारे ऑप्शन में भी है, क्यों, तो 1 किया फिर 2 किया, अगला नंबर अगर फॉलो करें देखिए 8.5 की मल्टीप्लाई, यहां पे हमने डिफरेंस 1 का लिया तो 1.5 के मल्टीप्लाई किस हो जाएगा 2.5 से, क्योंकि यहां पे 0.5 लिया यहां पे 1.5 लिया, अगला नंबर क्या होगा 2.5। जब आप 8.5 की मल्टीप्लाई 2.5 से करोगे 1 2 कितना 3, और जब 3 माइनस करोगे तो आपको यही संख्या मिलेगी। इसका मतलब जो यहाँ पे लॉजिक था वो लॉजिक ये था, मल्टीप्लाई 0.5 से देन माइनस 1, मल्टीप्लाई 1.5 से माइनस 2, इस तरीके का लॉजिक चल रहा था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 8.5 राइट। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर जो कि नंबर सीरीज से ही है। इस सीरीज की अगर बात करें तो देखिए पहला नंबर क्या है 21, लास्ट संख्या पे नजर डालिए 2672, संख्या शुरू हुई 21 से और पहुंच कहां गई 2672, तो इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन तो है लेकिन कुछ और भी लॉजिक हो सकता है। हमने क्या बोला कि छोटी सी संख्या बड़ी संख्या में अगर तब्दील हो जाए तो इसका मतलब यही है कि कुछ मल्टीप्लीकेशन चल रहा है, या फिर कुछ स्क्वायर या फिर कुछ क्यूब का एडिशन या मल्टीप्लीकेशन चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल 21 110, स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है 21 की मल्टीप्लाई जब आप 5 से करोगे कितना मिलेगा 105, चाहिए कितना 110, यानी कितना जोड़ना है 5 राइट।
जब आपने देखा कि 21 की मल्टीप्लाई आपने 5 से करी और 5 ही जोड़ दिया, आपको कितना मिल गया 110। अब क्वेश्चन मार्क में हमें नहीं पता, अब अगला नंबर ये भी हो सकता है कि 110 के बाद हमें मल्टीप्लाई 6 से करनी हो, 6 जोड़ना हो, तो अगर 6 से मल्टीप्लाई हम करें तो 110 की मल्टीप्लाई 6 से करोगे कितना मिलेगा 660 प्लस जब 6 करोगे 666। ऑप्शन में है क्या? सारे ऑप्शन जो है वो कम है किससे? 500 से। यानी जो अगला नंबर है वो मल्टीप्लीकेशन 5 से बड़ा नहीं है, 5 से कम है। मतलब कि जो अगला लॉजिक है ये भी हो सकता है मल्टीप्लाई 4 से करें, क्योंकि सारे ऑप्शन क्या है देखिए 400 पे हैं। तो जब 4 से मल्टीप्लाई किया, जितना मल्टीप्लीकेशन था उतना ही प्लस, तो प्लस क्या करेंगे 4। तो जब इसकी मल्टीप्लाई करी तो हमें कितना मिलेगा 440 मिलेगा। 440 प्लस कितना हो जाएगा 444। ऑप्शन में है क्या, चेक करें एक बार। देखिए ऑप्शन में तो है लेकिन अभी हम श्योर नहीं है कि ये हमारा आंसर होगा, क्योंकि हम आगे भी फॉलो करेंगे। कैसे? देखिए 444 की मल्टीप्लाई किससे होनी चाहिए? 4 के बाद डिक्रीजिंग ऑर्डर है तो मल्टीप्लाई किससे होगा 3 से। तो 3 चौको 12 का 2 कैरी, 1 3 चौको 12 और 1 13, 3 चौको 12 और 1 13, 1 3 3 2, और कितना ऐड करना था हमको 3, तो सेम नंबर मिल रहा है। यानी ये पैटर्न फॉलो कर रहा है इस नंबर सीरीज पे। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा 444। तो लॉजिक क्या था? मल्टीप्लीकेशन पहले 5 से किया, फिर 5 जोड़ दिया, फिर मल्टीप्लीकेशन डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, 4 देन 4 प्लस किया, फिर 3 देन 3 प्लस एंड सो ऑन। तो इस नंबर सीरीज में भी कुछ ऐसे लॉजिक भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। बात करें अगर अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमें दिया गया है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारे सामने कि मिसलियस से क्वेश्चन है। ध्यान देना क्वेश्चन करना कैसे है, पहले क्वेश्चन को पढ़ लें। तो क्वेश्चन है कि 20 मीटर चौड़ाई और 30 मीटर लंबाई के एक प्लॉट के वृक्षारोपण की जो लागत है वो कितनी है 2400। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक प्लॉट है जो कि रेक्टेंगल शेप का है, यानी आयत के शेप का है, चौड़ाई कितनी है इसकी 20 मीटर और लंबाई कितनी है इसकी 30 मीटर और जो लागत है वो कितनी है 2460 रुपए। तो पूछ रहा है कि प्रति वर्ग मीटर, एक बात बस ध्यान दीजिएगा इसमें, आखिरी अगर लाइन को हम पढ़े तो प्रति वर्ग मीटर लागत, प्रति वर्ग का मतलब क्या है कि बात कर रहा है किसकी, क्षेत्रफल की, कि प्रति वर्ग में जो एक मीटर स्क्वायर में जो कॉस्ट है वो कितनी रुपए है। तो सीधे सीधे क्या करेंगे, अगर कॉस्ट हमें निकालनी है, लागत हमें निकालनी है, सबसे पहले देखिए 20 और 30 क्या है इसकी चौड़ाई और लंबाई, यहां से जो क्षेत्रफल हो जाएगा एरिया वो कितना हो जाएगा 20 × 30 बराबर कितना हो जाएगा 600 मीटर स्क्वायर। यानी जो पूरा प्लॉट है उसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है 600 मीटर स्क्वायर। ठीक, अब लागत पूरी कितनी आई 2460 रुपए, किसकी निकालनी थी 1 मीटर स्क्वायर की। तो जब 1 मीटर निकालेंगे तो सिंपल सी बात है कॉस्ट निकालनी है, तो क्या करेंगे 2460 रुपए को आप डिवाइड कर दीजिए किससे 600 से। भाई ये पूरा क्षेत्रफल है, ये उसकी लागत है, एक का निकालना है तो डिवाइड करेंगे। जब हमने डिवाइड किया तो यहां से क्लियरली दिखाई दे रहा है कितनी बार जाएगा 4, 24 और कितना बचा तो 4.1। यानी जो 1 मीटर वर्ग में जो लागत है उसकी वो कितनी है 4.1 यानी 4.1 रुपीस। ऑप्शन में है चेक करें तो पहला तीसरा ही ऑप्शन में गिवन है कि 4 रुपए 10 पैसे लागत होगी किसमें प्रति वर्ग मीटर। राइट, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देख अगला क्वेश्चन जो हमें गिवन है वो सिंप्लीफिकेशन से। अच्छा एक बात और ध्यान दीजिएगा, जब भी आप सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को हल करने जाओ तो एक चीज अपने दिमाग में रखना कि हम सिंप्लीफिकेशन में स्मार्ट तरीका दिखाएं। स्मार्ट तरीका कहने का मतलब क्या है, स्मार्ट तरीके से आप देखोगे कि जब क्वेश्चन स्क्रीन पे आएगा तो आप बिना पेन उठाए भी कर सकते हो। इसी क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो समझना कि अप्रोच क्या होनी चाहिए। देखिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अगर a की पावर m इंटू a की पावर n हो, अगर दोनों का बेस क्या हो सेम हो, पावर डिफरेंट हो, तो पावर क्या हो जाती है जुड़ जाती है यानी प्लस हो जाती है। यानी दोनों का बेस भी अगर सेम हो पावर डिवाइड में हो तो पावर क्या हो जाती है माइनस हो जाती है, ऐसा हमने देखा है और ऐसे हमें पता है।
इसी चीज का हम इस्तेमाल करेंगे और इस क्वेश्चन को करेंगे लॉजिकली। देखिए कैसे, दोनों मल्टीप्लीकेशन में है पावर जुड़ जाएंगी, मल्टीप्लीकेशन में है पावर जुड़ जाएंगे, लेकिन डिवाइड में है तो पावर माइनस हो जाएगी। आप देखिए 15 मल्टीप्लाई में 6 अगेन मल्टीप्लाई में, क्योंकि साइन माइनस का था, प्लस माइनस माइनस होगा, डिवाइड में है तो माइनस। अब माइनस एक उसका और एक माइनस इसका खुद का है, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, और ये सब क्या है हमारा 7 की पावर है, राइट। 7 की पावर इज इक्वल टू, अब देखिए ये छूट गया, अब जब ऊपर जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, तो अगर हम इसको इस तरीके से लिखें, हमने लिखा 15, फिर लिखा हमने प्लस का 6 माइनस 5, ये प्लस का 5 और ये माइनस का 3, ये सब हमारे क्या है 7 की पावर है। ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई में था इसलिए प्लस में आ गया, और इज इक्वल टू में क्वेश्चन मार्क को कुछ देर के लिए मान लीजिए एक्स। सॉल्व हमने किया, देखिए 5 5 कैंसिल, 15 6 21 में से 3 का कितना हो जाएगा 18, तो यहां से हमने देखा कि x का मान जो हमें मिला वो कितना मिला 18। ओरली भी आप कर सकते थे, कैसे 15 और 6 21 में से 5 5 दोनों कैंसिल, 21 में से 3 गए 18, तो x का मान जो है क्वेश्चन मार्क का जो मान मिलेगा आपको वो कितना मिल जाएगा 18। यानी पेन कलम उठाने की जरूरत नहीं है, आप ओरली भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अब देखिए अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन हमें गिवन है अप्रोक्सीमेशन से। अप्रोक्सीमेशन की अगर बात करें तो कुछ क्वेश्चन आपको एग्जाम में अप्रोक्सीमेशन के भी देखने को मिल सकते हैं। अप्रोक्सीमेशन होता क्या है पहले इसकी बात कर लेते हैं। 55.003 × 54.998 प्लस 20.020 अप्रोक्सीमेशन आंसर चाहिए। अप्रोक्सीमेशन की बात करें तो 55.003 है, इस चीज को हम अप्रोक्स में कितना लिख सकते हैं 55, 54.998 998 है। अप्रोक्स में अगर बात करें तो कितना लिख लेंगे इसको भी, क्योंकि 9 से 5 से बड़ा है तो 55 ही आएगा। इसकी अगर बात करें तो यहां से हमें कितना मिलेगा 20, तो हमने देखा कि इसको लिखा 55, इसको लिखा 55, 55 55 की मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखिए इसको हम सीरीज में बोल सकते हैं कि ये हमारा क्या है 55 का स्क्वायर भी है, राइट। 55 स्क्वायर प्लस 20, अब 55 का स्क्वायर की अगर बात करें तो 55 का स्क्वायर जल्दी कैसे निकालते हैं आइए समझते हैं। लास्ट में क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, लास्ट में 5 है, 5 का स्क्वायर हुआ 25, 50 से ज्यादा कितना है 5, किसमें ऐड करना है 25 और 5 कितने हो जाएंगे 30, तो 30 25 हमने इसका वर्ग निकाला, और प्लस 20 अगर हम जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 3045। आइए चेक कर लेते हैं क्या हमारे ऑप्शन में है। ऑप्शन पर अगर एक नजर डालें तो हमें गिवन है कि चौथा ही ऑप्शन इसका सही उत्तर है। कहने का मतलब यह है कि अप्रोक्सीमेशन में आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेनी है, अगर ये 5 से कम है तो आप लेस देन वाले को लोगे, मतलब 55 लोगे। यही संख्या अगर यहाँ पे लिखी होती 663 फॉर एग्जाम्पल, तो आप इसको अप्रोक्सीमेट 56 काउंट कर लेंगे। सेम इट इज, हमने देखा कि ये 5 से बड़ा है तो हमने इसको 55 ले लिया, कम था तो हमने इसको 20 ले लिया। जो हमने सॉल्व किया हमें अप्रोक्सीमेट कितना मिला 3045, तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 3045। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमें गिवन है किससे, अप्रोक्सीमेशन से ही। इस क्वेश्चन की अगर बात करें, अब आप लोग ही इसका आंसर बताइएगा, 120.009 क्या लिखेंगे इसको, ऑल राइट 89.999 क्या लिखेंगे इसको, हम देखिए 90 हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर होगा वो कौन सा होगा 90 ही होगा, इसके बाद जो अगला नंबर होगा वो कितना हो जाएगा 118, सबको जोड़ना है। अब देखिए 120 और 90 कितना हो जाएगा 210, और 100 कितना 310, और 18 कितना हो जाएगा 328। तो अगर इसका जो अप्रोक्सीमेट आंसर होगा, देखिए ऑप्शन में अगर हम पिक करें तो कितना आ रहा है हमसे, यहां से हमें मिल रहा है 328, लेकिन अगर हम ऑप्शन पे एक नजर डालें तो ऑप्शन में 310 है, 50 है, 80 है, 400 है, 330 है, तो जो लगभग इसका मान है वो किसके नजदीक बैठ रहा है 330 के, तो यानी हम इसको बोल सकते हैं कि जो ये लगभग मान होगा वो कितना हो जाएगा 330। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 330। तो आपको देखने में मिलेगा कि 328 ऑप्शन में नहीं होगा,
तो आप इसके अप्रोक्सीमेट जाएंगे, नजदीक जाएंगे, तो जो सही आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 330। ऑलराइट, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमें गिवन है सेम किससे, अप्रोक्सीमेशन से। आइए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है 8080 डिवाइड 888 डिवाइड 8 देन क्वेश्चन मार्क, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या होगी, कैसे करेंगे। देखिए लास्ट टाइम भी बताया था, इस तरीके से अगर डिवाइड हो, डिवाइड का मतलब होता है कुछ या अपॉन में होगी, इसी चीज को हम लिख सकते हैं 80880 डिवाइड में है तो क्या हो जाएगा, इसी चीज को अगर हम और डीपली समझाएं, 80880 डिवाइड का मतलब ये हो जाएगा आपका, देखिए यहां से 80880 वन अपॉन 888, सेम इसी तरीके से मल्टीप्लाई चेंज वन अपॉन 8। जब आप सॉल्व करोगे तो यहां से आपको मिलेगा, देखिए अगर आप डायरेक्टली सॉल्व करो 8 और यहां से 110, यहां से भी अगर हम सॉल्व करें इसको तो ये जो अप्रोक्स जाएगा वन टाइम्स जाएगा, क्योंकि हमें आंसर चाहिए था अप्रोक्सीमेट में, 10110 को 888 से डिवाइड करना है। अभी मान लीजिए 888 है, अगर हम इसको कितना मान लें, 888 को 9 से मान ले तो एक बार जाएगा, एक और एक मतलब अप्रोक्सीमेशन 11 आंसर होगा। चेक करें, एक क्लियरली दिखाई दे रहा है कि 14 पॉसिबल नहीं है, सिर्फ 11 ही क्या होगा इसका आंसर होगा, तो डायरेक्टली हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, हम क्या करेंगे ओरली स्मार्ट तरीका दिखाएंगे इसमें, 10110 को जब आप डिवाइड करो किससे, 888 से, समथिंग 11 पॉइंट मिलेगा, डायरेक्टली आप बोल सकते हो आंसर कितना हो जाएगा 11। राइट, मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पर नजर डाले तो अगला क्वेश्चन भी हमें गिवन है सिंप्लीफिकेशन से। अगर इस क्वेश्चन की बात करें, आइए देखते हैं क्वेश्चन को हल कैसे करेंगे। सबसे पहले इसको सिंपल फॉर्म में लिखिए, सिंपल फॉर्म इन द सेंस 11 की मल्टीप्लाई 3 से कीजिए कितना हो जाएगा, 33 प्लस 8 कितना हो जाएगा, राइट 41 अपॉन 11, यहां से 2 दूनी 4 और 1 5 बटे 2, और यहां से हो जाएगा 11 तिया 33 और 4 कितना हो जाएगा, 37 बटे 11। मल्टीप्लाई जब ने किया तो हमें मिला 5 को 20 यानी 205 बटे 22 माइनस 37 बटे 11। करना क्या है, देखिए दोनों का एलसीएम लीजिए, यहां से कितना मिल जाएगा एलसीएम, 22 ये मिलेगा, सेम एज इट इज कितना आएगा 205, 11 से 2 37 दूनी कितना हो जाएगा 74, जब आप इसमें 74 माइनस करोगे तो 5 में से 4 मिला कितना 1 और 20 में से 7 कितना हो जाएगा 13, तो 13 अपॉन कितना हो जाएगा 22। अब डिवाइड कीजिए 22 पंजे कितना 110, तो कितना बचा 5 सही, 21 बटे 22 इसका सही आंसर ऑप्शन में है। चेक करें, अगर ऑप्शन पर नजर डालें तो दिखाई दे रहा है कि चौथा ही ऑप्शन है जो इसका सही उत्तर है, यानी जो इस प्रश्न का सही आंसर होगा वो हो जाएगा 5 सही 21 बटे 22। कुछ नहीं करा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, जैसा दिया गया था एज इट इज सॉल्व किया, नंबर ऑफ स्टेप डिपेंड करता है कि आप कितने खींच सकते हो, एक स्टेप में सॉल्व किया, दूसरे स्टेप में प्लस माइनस किया, डायरेक्टली हमें आंसर कितना मिला 5 सही 21 बटे 22। जैसे कि हमने लास्ट एसटी में भी बताया था कि जो पेपर का लेवल होगा वो इजी टू मॉडरेट होगा, जो आपको प्री में जो प्रश्न मिलेंगे एग्जाम में वो कुछ इजी होंगे और कुछ जो होंगे वो कैलकुलेशन बेस्ड ज्यादा होंगे, तो बहुत कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो आपको बहुत इजी मिलेंगे इस तरीके से। तो अगर अगले प्रश्न पर नजर डालें तो देखें कि अगला प्रश्न क्या है। अब देखिए काफी स्टूडेंट्स इस तरह के प्रश्न को देख के घबरा जाते हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए, कि पावर 16 में है, पॉइंट भी है। देखिए जो क्वेश्चन देखने में जितना टफ लगता है वो उतना इजी होता है, कैसे, बात करें इस क्वेश्चन की, 1.342 मल्टीप्लाई 10 की पावर 16, 3.46 मल्टीप्लाई 10 की पावर 13 देन क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। अब आप एक बात देखिए, 10 की पावर 16, 10 की पावर 13 कॉमन क्या ले सकते हैं, यहां से हम कॉमन ले सकते हैं 10 की पावर 13, 10 की पावर जब 13 आपने कॉमन ली कितना बचा 1000 की जब मल्टीप्लाई से करोगे तो कितना मिल जाएगा 13, कितना इजी होगा, देखिए 10 की पावर 13 हमने कॉमन लिया, 3 जीरो बची मल्टीप्लाई से, यहां पे 1342 मिलेगा और माइनस जो हमें यहां से मिलेगा 3.6। ऑलराइट, अब देखिए कितना लंबा एक्सप्रेशन कितने सिंपल से स्टेप में टूट गया, 10 की पावर 13 एज इट इज आएगा ही आएगा, माइनस कर लीजिए तो क्या करेंगे, देखिए 10 में से 6 गया 4, 9 में से पॉइंट, यहां कितना बचेगा 41,
और जब आप 41 में से जब 3 माइनस करोगे तो कितना मिलेगा 1338, तो यहां से हमें कितना मिला 1338.54 10 की पावर 13। क्या इसी फॉर्म में आंसर है, चेक कर लेते हैं एक बार 1338, वेयर इज यू कैन सी दिस वन, तो 1338.54 इनटू 10 की पावर 13 मतलब जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो क्या है, सेकंड ऑप्शन 1338.54 10 की पावर 13। तो क्वेश्चन देखने में कितना इजी लग रहा था, लेकिन जब सॉल्व करने आए तो पता लगा क्वेश्चन में कुछ बात नहीं थी, बहुत इजी क्वेश्चन था, राइट। तो कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे भी एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन हमें गिवन है, देखिए स्क्वायर रूट से, हालांकि नंबर बहुत बड़ा है, काफी स्टूडेंट सोचते हैं कि इसको जल्दी कैसे किया जाएगा, तो यहां पर हम थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखाएंगे। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं क्योंकि सिंप्लीफिकेशन आएगा, श्योर है सिंप्लीफिकेशन में अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो इस तरीके से ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आप देखिए बहुत बड़ा नंबर है, इतने बड़े नंबर का आपको क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। अगर हम ट्रेडिशनल वे से जाएं थोड़ा सा समय लगेगा कि इसका आंसर क्या होगा, एक स्मार्ट तरीका जो हम इसमें अपनाएंगे वो क्या है, आइए देखिए 158404, साफ साफ क्लियर है कि जो भी आंसर होगा वो परफेक्ट आएगा, दैट मीन्स ये जो है परफेक्ट स्क्वायर है किसी नंबर का। नंबर कौन सा है, लास्ट में है चार, चार किसके स्क्वायर के लास्ट में आएगा, हम सभी को पता है दो के और आठ के, दो का स्क्वायर भी चार होगा, आठ का स्क्वायर 64 यानी चार लास्ट में आएगा, ये बात श्योर है। जो भी आंसर होगा लास्ट डिजिट जो होगी वो दो या आठ होगी। अब ऑप्शन चेक करिए, कौन से ऐसे ऑप्शन हैं जिनके लास्ट में दो और आठ हैं, उनको रख दीजिए बाकी सब काट दीजिए, तीसरा चौथा पांचवा, तीन ऑप्शन हमारे हुए कैंसिल, हमें कितने ऑप्शन मिले, सिर्फ दो ऑप्शन। अब यानी 398 और 392 में से एक आंसर है, अभी पांच ऑप्शन थे अब सिर्फ दो ऑप्शन बचे हैं, इनमें से एक आंसर है, कौन सा आंसर है, तरीका समझिए। 398 392, कोई सा भी हो सकता है, स्मार्टनेस तरीका देखिए, आप निकाल भी सकते हो, थोड़ा समय लगेगा लेकिन हमारे पास इतना समय नहीं है एग्जाम में। 158404, हम सभी को पता है 400 का जो वर्ग होता है कितना होगा 16, 20 देन 20, ये संख्या इसके नजदीक है, इसको इससे अगर माइनस करें तो देखिए 158404, अगर आप इसको माइनस करो तो आप देखिए 10 में से 4 गया 6, यहां से मिला 9, यहां से कितना मिलेगा 9 में से 4 गया 5, और यहां से 1596 का अंतर मिला हमको, कि यानी ये संख्या इस संख्या के बीच में जो अंतर है वो नियर अबाउट 1600 का है। अगर हम पिक करें कि 392 हमारा आंसर है तो आप खुद सोचिए 392 और 400 में कितनी दूरी है, लगभग 8 नंबर की, और जो 8 नंबर का स्क्वायर होगा वो 1596 का अंतर नहीं होगा, ये बात तो स्पष्ट है। तो हम अगर देखें तो ये भी आंसर की पॉसिबिलिटीज बहुत कम है क्योंकि 1596 डिफरेंस है बस, 392 यदि आप लो तो डिफरेंस जो है वो बहुत ज्यादा होगा, 1500-1600 में नहीं होगा, तो ये बात स्पष्ट है कि ये आंसर नहीं है। अब कौन सा ऑप्शन बचा, एक ही ऑप्शन बचा, इसका मतलब हम क्लियरली बोल सकते हैं कि जो इसका जो आंसर है वो कितना है 398। तो ये कुछ स्मार्टनेस स्ट्रेटजी है, कुछ स्मार्टनेस तरीके हैं जो हम एग्जाम में फॉलो करेंगे जब क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर होगा। तो अगर बात करें अगले प्रश्न की, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर दिया गया है, देखिए इस तरह से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो करना क्या है, अभी हमने बताया था कि जो क्वेश्चन देखने में जितना टफ लगता है वो भी उतना इजी होता है। फॉर एग्जाम्पल 1+√5, 3+√2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क देन 3√5, और हमें निकालना क्या है क्वेश्चन मार्क की वैल्यू। सिंपली सॉल्व करें इसको तो इसकी मल्टीप्लाई जब हमने से करी कितना हो जाएगा 3, देन मल्टीप्लाई जब हमने किया तो कितना हो गया √2, देन इसकी मल्टीप्लाई जब आप इससे करोगे तो कितना मिलेगा 3√5, राइट। फिर एज इट इज जब मल्टीप्लाई आप करोगे तो आपको मिल जाएगा √10 बराबर कितना हो जाएगा क्वेश्चन मार्क प्लस कितना 3√5। अब देखिए क्वेश्चन मार्क की वैल्यू चाहिए, इक्वल टू का साइन है बीच में, वहां भी 3√5, यहां भी 3√5, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। जब हमने सॉल्व किया तो हमने देखा क्या मिला हमको 3 प्लस
रूट टू प्लस रूट टेन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो यानी जो फाइनल हमें आंसर मिला वो मिला हमें कितना, 3 प्लस रूट टू प्लस रूट टेन। क्या ऑप्शन में है, आइए चेक करें। तो देखिए हमें दिखाई दे रहा है 2 प्लस रूट थ्री प्लस रूट टेन, इसका मतलब जो पांचवा ऑप्शन होगा वही हमारा क्या है, इसका सही आंसर है। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर 5। तो करना क्या है, देखिए बहुत इजी है, जो क्वेश्चन आपको देखने में इजी लग रहा है थोड़ा कंफ्यूजिंग क्रिएट करेगा वहां पे कि आप सॉल्व कैसे करो, सिंपली सॉल्व करना देन आंसर मैच करना, तो आपको पता लगे क्वेश्चन बहुत इजी था। अगले क्वेश्चन पर अगर नजर डालें तो अगला क्वेश्चन देखिए हमें दिया गया है इनइक्वालिटी से। लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था इनइक्वालिटी में हमें इस तरीके से कुछ ऑप्शन दिए जाएंगे। पहला ऑप्शन होगा x बड़ा है y से, दूसरा हो जाएगा x बड़ा भी है बराबर भी है y से, देन x छोटा है y से छोटा भी है बराबर भी है, और जो पांचवा ऑप्शन होगा हमेशा की तरह क्या रहेगा, x बराबर है 5 के या संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता। मतलब दो आपको इक्वेशन देगा, दो आपको समीकरण देगा और पूछेगा कि इनमें क्या रिलेशन है। तो देखिए क्वेश्चन सामने दिखाई दे रहा है, दो इक्वेशन हमें दी गई है और हमें इनके बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है। करने का तरीका जैसे भी पिछले बार भी डिस्कस किया था सेम फॉलो करेंगे इस तरीके में भी, और देखेंगे जल्दी आंसर कैसे निकालना है। तो इस इक्वेशन की अगर हम बात करें तो देखिए 5x स्क्वायर माइनस 8x यहां लेके आओगे क्या हो जाएगा, प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ऑलराइट, अब देखिए क्या करना था, लास्ट टाइम भी बताया था कि आपको इसकी मल्टीप्लाई से करनी है। क्यों, क्योंकि कोई भी इक्वेशन किस फॉर्म में होती है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर में अगर क्या होती है, जीरो होती है, तो मल्टीप्लाई हमें किससे करना होता है, मल्टीप्लाई हमें किससे करना है, देखिए 5x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। जब आप मल्टीप्लाई किससे करोगे तो कितना मिलेगा आपको, 15, 5 3 15 मिला, यहाँ पे क्या चाहिए 8, तो 5 3 15 5 और 3 8। हमने बताया था पिछली बार भी जब मल्टीप्लीकेशन प्लस में हो तो यानी दोनों संख्याएं प्लस की भी हो सकती है, दोनों माइनस की भी हो सकती है, चिन्ह यहाँ पर माइनस का है, तो जो दोनों संख्याएं हो जाएंगी वो क्या हो जाएंगी, माइनस 5 माइनस 3, साइन चेंज होते हैं, दोनों माइनस के हैं तो दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। और बताया था कि कॉफिशिएंट से डिवाइड भी करना है, कॉफिशिएंट से जब आप डिवाइड करोगे तो यहां से आपको मिला 1 और यहां से आपको मिला 0.6, तो ये आपको किसके मान मिल गए, एक्स के मान। इसी तरह आप वाई के मान भी निकालोगे, तो वाई के मान कैसे निकालेंगे, देखिए 4y स्क्वायर माइनस 16y प्लस 15 बराबर 0। करना क्या है, सेम चीज 15 की मल्टीप्लाई किससे करनी है, 4 से करनी है, कितना हो जाएगा 15 चको 60 और कितना 16 बीच में चाहिए, तो नंबर कौन कौन से, देखिए 10 इंटू 6 कितना हो जाएगा 60, 10 और 6 16। मल्टीप्लीकेशन प्लस का है लेकिन बीच में माइनस है, दोनों संख्याएं क्या हो जाएंगी, माइनस का 10 और माइनस का 6। जब आप दोनों का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आपको 60 मिलेगा प्लस का, और प्लस करोगे तो आपको माइनस का 16 मिलेगा, दोनों माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। डिवाइड कॉफिशेंट से करना है, 4 से ये डिवाइड, 4 से ये डिवाइड, 4 से जब इसको डिवाइड किया ये मिला 2.5 और ये मिला 1.5। तो यहां से दो मान x के और दो वैल्यू किसकी मिली हमें, y की। अब दोनों को कंपैरिजन करना है, जैसा कि पिछली बार भी बताया गया था कि आप कंपैरिजन डायरेक्ट भी कर सकते हो, अगर डायरेक्ट करने में परेशानी है तो आप एक चार्ट भी बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर डायरेक्ट हम इसको करें तो पहले हमने चेक किया कि 1, 2.5 कौन बड़ा है, 2.5, फिर इस 1 को कंपेयर किया 1.5 से, अभी भी कौन बड़ा है, y बड़ा है, 0.6 को कंपेयर किया 2.5 से, 2.5 ही बड़ा है, फिर 0.6 को कंपेयर किया 1.5 से, 1.5 ही बड़ा है, मतलब y बड़ा है किससे, x से। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, x छोटा है, यानी x लेस देन y। ये तो हमने देखा कि हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, लेकिन काफी स्टूडेंट्स को डायरेक्टली करने में परेशानी होती है, तो उन लोगों के लिए एक चार्ट हम बना रहे हैं कि आप जल्दी कैसे करना, या आप इस तरीके से कैसे आप समझोगे। तो ध्यान दीजिए हमें करना क्या है, पहले हमने लिखा x, फिर लिखा हमने y, आप x के मान पुट कीजिए 1 1, 0.6 देन 0.6, ऐसे अगर y के मान प्लेस कीजिए 2.5 1.5 2.5 1.5। अब क्या करेंगे, इन दोनों में कौन बड़ा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है ये बड़ा है, ऐसी बताएं 1, 1.5 में भी ये बड़ा है और इसमें भी कौन बड़ा है, ये बड़ा है और ये बड़ा है, तो साफ तौर से यहाँ पे जो कंक्लूजन निकला वो निकला हमारा x less than y।
तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो और चाहे इस तरीके से आप चार्ट बना के भी देख सकते हो कौन बड़ा है और दोनों में क्या रिलेशन आ रहा है। बताया था पिछली बार भी, यदि साइन आपस में बदल जाए तो हमेशा जो आंसर होगा वो क्या होता है, सीएनडी, यानी इनके बीच में कोई संबंध नहीं होता। दूसरे क्वेश्चन पर अगर नजर डाले इनइक्वालिटी के, तो दूसरा क्वेश्चन हमें दिया गया है, देखिए स्क्रीन पर, 5x² + 3x = 14। इसको हम लिख सकते हैं 5x² + 3x - 14 = 0। सेम चीज, 14 की मल्टीप्लाई 5 से कितना हो जाएगा, 70। 14 × 5 कितना हुआ, 70। बीच में कितना चाहिए, 3। अब देखिए दो संख्याएं ऐसी चाहिए कि मल्टीप्लीकेशन 70 हो, बीच में 3 आए, तो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है 10 और 7। अब कौन प्लस का, कौन माइनस का, मल्टीप्लीकेशन जब इससे किया तो 70 मिलेगा माइनस का। लास्ट टाइम बताया था कि जब मल्टीप्लीकेशन माइनस में हो तो एक कंडीशन है कि एक प्लस का होगा और एक माइनस का होगा। अब कौन सा प्लस का, कौन सा माइनस का, इस चिन्ह पे अगर नजर डालो तो यहाँ प्लस का 3 है। ये प्लस का 3 तभी आएगा जब 10 प्लस का होगा और 7 माइनस का होगा। तो 10 × - 7 70 मिल जाएगा, 10 में 7 गया 3, क्योंकि जब हम चेंज करते हैं तो साइन बदल जाते हैं, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस वाला प्लस का। ऑलराइट, फिर हमने बताया था कोफिशिएंट से डिवाइड भी करना है, डिवाइड कर लीजिए। आप डिवाइड करोगे माइनस का 2 मिलेगा, यहां से हमने देखा 5 × 5 = 2 then 1.4 प्लस का, ये आपको किसके मान मिल गए, x के। ऐसे ही आप y के मान भी कैसे निकालेंगे, देखिए 5y² + 11y - 36 = 0। सेम प्रोसेस यहाँ पे किया, 36 की मल्टीप्लाई जब 5 से करोगे कितना मिलेगा, 36 × 5 = 180। बीच में कितना चाहिए, 11। नंबर कौन कौन से, अब देखिए 20 की मल्टीप्लाई जब हम 9 से करते हैं तो कितना मिलता है, 180, और 20 में से 9 माइनस कीजिए क्या मिलेगा, 11। तो संख्याएं कौन कौन सी मिली, 20 और 9। अब कौन सा प्लस का, कौन सा माइनस का, जैसे कि यहाँ पे भी डिस्कस किया था, मल्टीप्लीकेशन अगर माइनस का हो तो एक संख्या माइनस की और एक संख्या प्लस की, लेकिन यहाँ पर जो चिन्ह है वो प्लस का है, इसका मतलब बड़ा वाला प्लस का, छोटा वाला माइनस का, राइट। साइन बदल जाएंगे, माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। डिवाइड कॉफिशिएंट से करना था, जब 5 से आप डिवाइड करोगे यहां से मिलेगा माइनस का 4 और यहां से 5 1 times then 5 8 4 0। ऑल राइट, यहां से आपको y के दो मान मिले, यहां से x के दो मान मिले। कंपैरिजन करना है डायरेक्टली भी कर सकते हैं, कैसे, -2 - 4 में कौन बड़ा, माइनस के केस में जो जितना छोटा होता है वो उतना बड़ा होता है। -2 - 4 में -2 बड़ा है, देन -2 1.8 में कौन बड़ा है, वो बड़ा है। तो आंसर सी एंड डी। या ऐसे भी अगर देखें, क्या लिखा हमने, x और y, यहां पे देखिए -2 - 2 1.4 1.4, यहां पर देखिए -4 1.8 - 4 1.8। ऑल राइट, इन दोनों में देखिए क्या है, ये बड़ा होगा, माइनस में जो जितना छोटा होगा वो उतना बड़ा हो जाएगा। इसी पे अगर नजर डालें तो दिखाई दे रहा है कि 1.8 बड़ा है किससे, -2 से। तो जब यहीं पर साइन बदल गए तो आगे करने की जरूरत है ही नहीं बिल्कुल भी, तो क्लियरली दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे साइन बदल गए। और जब भी साइन बदल जाते हैं तो हमारा जो आंसर होता है वो क्या होता है, सी एंड डी, यानी इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, यानी जो पांचवा ऑप्शन होगा वही इसका सही आंसर होगा कि रिलेशन कैन नॉट बी एस्टैब्लिश, राइट। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी हमें दिया गया है इनइक्वालिटी से, क्योंकि 5 क्वेश्चन कम से कम आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन की अगर बात करें, सेम चीज है, मल्टीप्लाई किससे करना है, 36 की 2 से, कितना मिलेगा, 72। बीच में कितना चाहिए, 17। ऐसी संख्याएं मल्टीप्लीकेशन करने पर 72 प्लस का मिले, जोड़ने घटाने पर माइनस का 17 मिले, कौन कौन से नंबर होंगे आप ही बता दीजिए। 36 × 72 = 17 चाहिए, 9 8 की जब गुणा करेंगे तो 72 मिलेगा, और 9 और 8 17, दो संख्याएं हमें मिली -9 - 8। क्यों, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन प्लस का है, तो बताया था कि दोनों माइनस के या दोनों प्लस के, लेकिन माइनस का है तो दोनों माइनस के, साइन बदल जाते हैं, दोनों माइनस बदल जाएंगे प्लस में। कोएफिशिएंट से आप डिवाइड जब करोगे तो यहां से मिलेगा 4.5 और यहां से 4, दोनों किसके, प्लस के, राइट। ये इसके मान मिले। ऐसी आप यहां पर भी देखोगे, जब मल्टीप्लाई हमने किया कितना मिला, 210।
मल्टीप्लीकेशन प्लस का बीच में माइनस यही वाला रूल कह लीजिए, तो नंबर कौन कौन से होंगे, 14 × 15 = 210 और 14 × 15 = 29 संख्याएं मिली माइनस 14 माइनस का 15 और दोनों माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। कॉफिशियंट से डिवाइड भी करना है तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। डिवाइड जब किया तो यहां से आया 2.7 × 14 10 बचा 2.1 हम कह सकते हैं लगभग इतना होगा, तो यहां से हमें y के दो मान मिले। कंपैरिजन कीजिए 4.5 इसमें से यही बड़ा है, इसमें कंपैरिजन कीजिए ये बड़ा है, लेकिन 4-2 में 4 बड़ा है, 4-2 पर नेक में ये बड़ा है, इसका मतलब इसमें x क्या है, बड़ा है किससे, y से, तो x ग्रेटर देन किससे, y से, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो कुछ नहीं करना, डायरेक्टली भी आप चेक कर सकते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है, परेशानी आ रही है तो जैसे चार्ट अभी समझाया था आप उस चार्ट के अकॉर्डिंग भी इसको सॉल्व कर सकते हो, राइट। चलिए इनइक्वालिटी में अगर बात करें तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है 2x² - 23x + 65 = 0। सॉल्व कीजिए सेम तरीका जैसा कि अभी समझाया था, मल्टीप्लीकेशन कॉफिशियंट से, 65 × 2 कितना 130 और बीच में चाहिए 23, संख्याएं बताइए कौन कौन सी होंगी। 65 की मल्टीप्लाई जब 2 से करोगे तो 130, 10 × 13 130 और 10 + 13 = 23, तो यहां से -10 - 13 दोनों माइनस की क्या हो जाएंगी, प्लस की हो जाएंगी, कॉफिशिएंट से डिवाइड भी करना है तो ये 5 और ये 6.5 किसके मान निकल गए, x के मान। सेम चीज यहां पे भी फॉलो कीजिए, पहले इक्वेशन को सही फॉर्म में लिखिए 2y² - 3y - 27 = 0, राइट। अब 27 की जब आप मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो कितना मिलेगा, 27 × 54 देन 3। अब संख्याएं ऐसी बताइए, मल्टीप्लीकेशन 54 और 3 तो 9 × 6 = 54 देन 9 में से 6 गया 3, मल्टीप्लीकेशन भी माइनस का, यहां पर भी माइनस का, जब मल्टीप्लीकेशन माइनस का हो तो दो संख्याओं में से एक संख्या क्या होती है, माइनस की। 9 6 54 होगा, 9 में से 6 3, कौन प्लस कौन माइनस, चिन्ह को देखिए क्या है यहाँ पे, साइन माइनस का है तो बड़ा वाला माइनस का और ये वाला प्लस का, अब जब साइन चेंज करोगे तो माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का 6, जब कॉफिशियंट से आप डिवाइड करोगे तो यहां से 2 से डिवाइड किया, यहां से मिला हमको 4.5 मिलेगा और यहां से माइनस का 3, ये दो मान हमें किसके मिल गए, y के। अब कंपैरिजन स्टार्ट, जैसा कि बताया था 5 4.5 कौन बड़ा है, 5 बड़ा है, 5 - 3 कौन बड़ा है, यही बड़ा है, फिर 6.5 4.5 में भी कौन बड़ा है, यही बड़ा है, देन 6.5 - 3 में भी कौन बड़ा है, यही बड़ा है, इसका मतलब x बड़ा है किससे, y से, राइट। यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, x बड़ा है किससे, y से, राइट। अगर नजर डालें दूसरे क्वेश्चन पर तो अगला क्वेश्चन भी हमें गिवन है किससे, इनइक्वालिटी से, बताया था कि कम से कम 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इस क्वेश्चन की अगर बात करें बहुत इजी सा क्वेश्चन है, सॉल्व कैसे करना है बता चुके हैं, सेम मेथड को फॉलो करते हैं इस क्वेश्चन में, आइए देखते हैं क्वेश्चन कैसे करेंगे। 3 × 2 कितना हो जाएगा, 6 प्लस का बीच में चाहिए माइनस का 7, संख्याएं कौन कौन सी होंगी, देखिए 6 × 6 - 6 और -1 की जब आप छोड़ोगे तो कितना मिलेगा, माइनस का 7, तो यहां से हमने देखा जो दो संख्याएं हमें मिली -6 और -1 मिला, दोनों माइनस के बदल जाएंगे, प्लस में आपको 3 से डिवाइड भी करना है, जब 3 से आप डिवाइड करोगे यहां मिलेगा 2, यहां कह सकते हो आप 0.33, ऑलराइट। सेम एज इट इज यहां पर भी कीजिए, 3 × 2 कितना हो जाएगा, 6 और माइनस का चाहिए 7, सेम चीज जो यहां पर फॉलो कर रही थी, कौन कौन से जाएंगे, -6 - 1 डायरेक्टली क्या कर देंगे, दोनों को प्लस कर देंगे, दोनों माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। आप कॉफिशियंट से डिवाइड भी कर दीजिए, जब आपने डिवाइड किया तो ये 3 मिला और यहां से आपको कितना मिलेगा, 0.5। नाउ कंपैरिजन स्टार्ट, कंपैरिजन कैसे करेंगे, 2 3 में कौन बड़ा है, 2 3 में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 3 बड़ा है, फिर 2.5 में कौन बड़ा है, 2, तो ऐसे समझिए x y 2 2.33.33, यहां पे हमने लिखा 3.5 और 3, ये 0.5,
दो तीन में कौन बड़ा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है तीन बड़ा है दो से। अब 2.5 में कौन बड़ा है, दो बड़ा है 0.5 से, साइन हो गए अपोजिट, और जब भी साइन हो जाए उल्टे तो आंसर हमेशा क्या रहेगा, सी एन डी अभी बताया था। तो इस क्वेश्चन में जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा हमारा, सी एन डी, मतलब इनके बीच में संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता। तो इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है वो क्या है, ऑप्शन नंबर 5, राइट। तो इस तरीके से हमने देखा कि एग्जाम में अगर इनइक्वालिटी हमारे सामने आए तो हम किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। लेकिन एक बार और ध्यान दीजिएगा, इनइक्वालिटी में हम एक डीजी पेज भी लेके आएंगे, तो उस डीजी पेज में जो और टाइप की इनइक्वालिटी होती है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। अभी बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में जो हमारी स्क्रीन पर दिया गया है। अब कुछ क्वेश्चन आपको मिलेंगे वर्ड प्रॉब्लम से, इसी क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन कहां से गिवन है, परसेंटेज से। अब स्टूडेंट की अप्रोच क्या होती है, लेकिन आपको क्या करना है हम समझाएंगे इस क्वेश्चन में। एक संख्या का एक पंचमास, पंचमास का मतलब होता है 1/5। अगर हम फिलहाल संख्या को x मान लें तो यही कह रहा है, बराबर किसके हैं, यही क्वेश्चन कह रहा है। यहां से आप सॉल्व करोगे, पहले x निकालोगे, फिर पूछ रहा है कि 73% क्या होगा, जो नंबर निकल के आएगा उसका 73 आप सॉल्व करोगे, फिर आप आंसर निकालोगे। ये हुआ इसका ट्रेडिशनल मेथड, जैसा कि हम सभी करते हैं, एग्जाम में ऐसा नहीं करना है। क्यों नहीं करना है आइए देखते हैं। एक संख्या का एक पंचमास, एक पंचमास का मतलब होता है 1/5। 1/5 को हम लिख सकते हैं क्या, 20%, क्योंकि हमने बताया था कोई भी संख्या अपने आप में कितनी होती है, 100%। वो नंबर अपने आप में 100% होगा, और उसका जो एक पंचमास होगा मतलब 1/5, वो किसके इक्वल होगा, 20%। तो हम बोल सकते हैं कि 20% का जो मान है वो कितना है, 62। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, 63% की वैल्यू, जब 20% इज इक्वल टू 62 है तो 73% कितना हो जाएगा, 62/20 × 73। आप कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए आप क्या कीजिए, 20 है, डिवाइड मत कीजिए, आप अगर 2 से डिवाइड करें तो 2 × 3 = 31, और ये कितना हो जाएगा, 10। ऑलराइट, आप 31 की मल्टीप्लाई किससे कीजिए, 73 से कीजिए। जब आप 31 की मल्टीप्लाई 73 से करोगे तो आपको यहां से देखिए मल्टीप्लाई करोगे, जब किसकी, 31 की 73 से, डायरेक्टली हमने मल्टीप्लाई किया, लास्ट में हमको 3 मिलेगा, कौन सा ऑप्शन है, और डिवाइड जब हम करेंगे 10 से तो लास्ट में 3 मिलेगा, श्योर है, मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जाएंगे ऑप्शन के साथ, लास्ट में आएगा 3, कौन सा ऑप्शन है जिसके लास्ट में 3 है, आप ही देख लीजिए, तीसरा ही ऑप्शन है जिसके लास्ट में 3 है। तो आप बिना मल्टीप्लीकेशन आप बोल देंगे कि इसका आंसर जो होगा वो कितना होगा, 226.3। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन में है जिन पे हमको ऑप्शन भी इस्तेमाल करना है, क्योंकि यदि आप ऑप्शन से क्वेश्चन को करने लगोगे तो आप ये नोटिस करोगे कि जिस क्वेश्चन में आपको 2 मिनट लग रहा था वो क्वेश्चन 1 मिनट में सॉल्व हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करना आसान हो गया, आसान नहीं हो गया, हमने मल्टीप्लीकेशन किया ही नहीं, क्यों, क्योंकि आंसर ऐसे ही मिल गया, राइट। तो आपको इन चीजों का भी ध्यान रखना है जब आप एग्जाम देने जाओगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन। अब देखिए इस क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, अगर इस क्वेश्चन को हम ट्रेडिशनल मेथड से करेंगे बहुत लेंथी होगा, इक्वेशंस बनेंगी, सॉल्व करेंगे, जितने में ये क्वेश्चन सॉल्व होगा उतने में हम 2 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, आइए समझते हैं। भिन्न के अंश को और हर को दोनों में 1 जोड़ने पर 1/4 मिला। कोई भिन्न होगा, पहले हम बता रहे हैं इसको ट्रेडिशनल वे में, कोई भिन्न किस रूप में होगा, x बटे y, कहां जोड़ना है, इसके अंश पे भी और हर पे भी, कितना मिल जाएगा, 1/4। जब हमने सॉल्व किया तो देखा 4x + 4 = y + 1। अगेन जब हमने सॉल्व किया तो देखा कि 4x - y = -3। इक्वेशन हमको मिल गई यहां से। दूसरी कंडीशन में कह रहा है हमसे कि अंश और हर में दोनों में 2 जोड़ने पर हमको 1/3 मिल जाता है। अब सेम चीज, x + 2 y + 2 में जब जोड़ा कितना मिला हमको, 1/3। अगेन हमने सॉल्व किया तो यहां से मिला 3x + 6 = सॉल्व जब हमने किया तो हमें यहां से कितना मिला, 3x + 6 = y + 2। बट सॉल्व जैसे हम करेंगे तो हमें यहां से इक्वेशन मिलेगी 3x - y, वहां जब इसको लेके जाएंगे माइनस का 4। अब अगेन करना क्या है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। जब आप दोनों इक्वेशन को यहां से सॉल्व करोगे फिर आपको x की वैल्यू मिलेगी, फिर आपको y की वैल्यू, फिर आप देखोगे कि हमारा फ्रैक्शन किस फॉर्म में, टाइम लगेगा अगर जाएंगे ट्रेडिशनल वे से।
स्मार्टनेस तरीका क्या कहती है, आप जाइए ऑप्शन के साथ। हमने पिक कर, कोई भी ऑप्शन हम पिक कर लेते हैं, 2/3 पिक कर लिया, संख्या 2/3 में है। अब आप कंडीशन को फॉलो कीजिए, पहले वाले में कह रहा है कि एक जोड़ना है, तो जब आप यहां एक जोड़ोगे, यहां 2 और 1 3 और ये 4, क्या 3/4 मिल रहा था? नहीं मिल रहा था, 1/4 था, ये ऑप्शन नहीं है। इस पे देखें 1 और 1 2 और 1 3 2/3, ये भी नहीं है। इस पे देखें 2 और 1 3 5 और 1 6 1/2 1/4 है, नहीं फॉलो कर रहा, इस पे भी नहीं कर रहा। पहले ऑप्शन पर अगर नजर डालें तो पहला ऑप्शन कितना है, 1/7, आप जोड़ दीजिए 1 2 8, सॉल्व किया कितना मिला, 1/4, सेटिस्फाई कर लिया। अगले पे भी करना चाहिए, अब 2 जोड़ना है, तो 2 और 7 कितना हो जाएगा, 9। जब आप यहाँ ऐड करोगे तो क्या करना है, 2 ऐड करना है, 2 ऐड कीजिए कितना हो जाएगा, 3, और यहाँ 7 और 2 कितना, 9, सॉल्व कीजिए कितना मिल गया, 1/3। देखिए वेरीफाई कर रहा है, इसका मतलब हमने देखा कि जब हमने ऑप्शन से टिक किया, कहानी कितनी आसान हो गई। नॉर्मल स्टूडेंट्स क्या करता है, इक्वेशन बनाएगा, देन सॉल्व करेगा, तब उसको आंसर कितना मिलेगा, 1/7। आप इस तरीके से मत जाइए, इतने तरीके में आपके 2 क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं अगर आप ऑप्शन से जाएंगे। जैसा अभी हमने देखा, जितने में आप 31 की मल्टीप्लाई किससे करने लग गए थे, नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करने लगे थे, उतने में ये क्वेश्चन हो जाएगा। कैसे, ऑप्शन से, ट्रेडिशनल से जाओगे तो समय लगेगा, राइट। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, अगले क्वेश्चन की बात करें। अब देखिए इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे ऑप्शन से, कैसे, क्वेश्चन को पढ़ के आप इसका आंसर बता दीजिएगा, इसका आंसर ओरली क्या होगा, क्योंकि देखिए हमें वहां पर ऑप्शन का इस्तेमाल बहुत करना है। जितना हम ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे उतनी हमारी एक्यूरेसी भी अच्छी होगी और हमारे आंसर बहुत जल्दी आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, पिता की आयु अपने पुत्र की आयु के 5 गुना से कितना अधिक है, 1 अधिक है, ठीक। पिता की आयु पुत्र की आयु के 5 गुना से 1 अधिक है, और 3 वर्ष बाद, इस लाइन को भी छोड़ो, पहली लाइन में आंसर है। देखिए कैसे, पिता की आयु क्या है, पुत्र की आयु के 5 गुना से 1 अधिक है, तो किसकी आयु निकालनी है, पिता की आयु। पिता की आयु जो भी होगी 1 अधिक है, आप ऑप्शन में 1 माइनस कीजिए। मैंने पहला ऑप्शन टिक किया जब मैंने पहला ऑप्शन 30 में से 1 को माइनस किया, 29, क्योंकि साफ साफ लिखा है स्टार्टिंग की लाइन में 1 वर्ष अधिक है 5 गुना से, यानी जब आप 1 माइनस करोगे तो जो संख्या आपको मिलेगी वो 5 से डिविजिबल होनी चाहिए। ऑप्शन देखिए, 30 में 1 माइनस करोगे, 29 5 से डिविजिबल नहीं है, आंसर नहीं है, 40 भी नहीं है। 31 की अगर बात करें, 31 में आप 1 माइनस कीजिए कितना हो जाएगा, 30, 30 5 का क्या है, गुणनफल है, इसका मतलब यही आंसर 29, 25 पॉसिबिलिटी है ही नहीं। हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि इसका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 31 है। अगर आप ट्रेडिशनल से जाओगे आपको देखने में मिलेगा इसका आंसर यही होगा। तो हमने देखा कि ऑप्शन के इस्तेमाल से हम क्वेश्चन को बहुत जल्दी कैसे निकाल रहे, राइट। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन हमें गिवन है कि एक ट्रक, टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है कि एक ट्रक की जो स्पीड है वो कितनी है, 52 किलोमीटर प्रति घंटा है, 18 घंटे में एक दूरी तय करता है। हम सभी को पता है कि स्पीड इज इक्वल टू कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल कितनी है हमें, 52, दूरी के बारे में नहीं पता, समय कितना लिया, 18। आप यहां से डिस्टेंस निकालिए तो डिस्टेंस आपका निकल के आएगा कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिए 52 की, जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा, 8 × 16, देन 8 × 5 = 40, 2 = 42 और 1 = 43, राइट, 4 × 5 = 5 और 1 = 936। तो यहां से डिस्टेंस जो मिली कितनी मिली, 936 किलोमीटर। अभी कह रहा है कि इतने ही समय में ट्रक से 180 किलोमीटर अधिक दूरी तय करने वाली कार की औसत चाल क्या है। आखिरी लाइन को दोबारा से देखिए, इतने ही समय में ट्रक से 180 किलोमीटर अधिक, मतलब अगर ये जो ट्रक है इस चाल से जा रहा है 18 घंटे में तो कितनी दूरी तय कर रहा है, 936, लेकिन जो कार है वो इससे 180 किलोमीटर ज्यादा है। तो अब जो डिस्टेंस होगी उसमें क्या करना पड़ेगा, 180 जोड़ना पड़ेगा। जब हमने जोड़ा तो हमें मिला 8 और 3 = 11, 9 और 1 = 10 और 1 = 11, यानी अब जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 11 16 किलोमीटर। समय बोला इतने ही समय में, मतलब डिस्टेंस पहले जो भी टाइम जो था
वो 18 था, अब भी जो समय है वो कितना है 18 है, तो 18 से आप जब डिवाइड करोगे तो यहां से डिवाइड करने के मिलेगा 18 कितनी बार जाएगा 6 बार, और यहां से 2 बार, तो आंसर जो आपको मिलेगा वो कितना मिल जाएगा 62 किलोमीटर पर। ऑप्शन पर एक नजर डालें तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका, फर्स्ट ऑप्शन ही कह रहा है, तो पहला ही ऑप्शन इसका सही आंसर है। कुछ नहीं क्वेश्चन में, कोई क्वेश्चन में बस क्या गिवन था जो हमें समझना था, आखिरी की जो लाइन थी, और आखिरी की लाइन क्या कह रही, कितने ही समय में 180 किलोमीटर अधिक जा रहा है, जो दूरी 936 है उससे वो 180 अधिक जा रहा है, विच मीन्स इसका मतलब है कि वो डिस्टेंस कितना ले रहा है 1116 किलोमीटर। समय सेम था, चाल हमारी कितनी आ गई 62 किलोमीटर प्रति घंटा, राइट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमें गिवन है सीआई से, यदि एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में कितना हो जाती है, 2 वर्षों में कितना हो जाती है 2000, 2 वर्षों में हो जाती है 2000 और 3 वर्षों में कितना हो जाती है 2200। क्वेश्चन कह रहा है कि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, 2 वर्षों में 2000, 3 वर्षों में 2200, ब्याज की दर क्या होगी। करने का तरीका सेम है, ट्रेडिशनल वे में इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, A इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर बाय 100 की पावर, यहां से आपका अमाउंट गिवन है, पी नहीं पता, रेट नहीं पता, समय हमें गिवन है, सॉल्व करेंगे आंसर आएगा। ट्रेडिशनल वे में आप सॉल्व करोगे थोड़ा समय लगेगा, हम इसके लॉजिक बता रहे हैं। अब एक बात देखिए कि जो 2 साल का जो अमाउंट है वो कितनी है 2000 और 3 साल की कितनी है 2200, और जो वर्षों में अंतर है वो कितने साल का 1 साल का। हम सभी को पता है कि जो पहले साल का एसआई होता है वही पहले साल का क्या होता है सीआई होता है। पहले अगर इनका डिफरेंस हम ले, 1 वर्ष का डिफरेंस कितना है 200, 1 वर्ष का डिफरेंस क्या है 200 है। अब रेट पूछ रहा है, टाइम एक, क्योंकि पहले साल का जो एसआई होता है वही पहले साल का सीआई होता है, तो आप ध्यान दीजिएगा जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि 2 साल में इतना 3 साल में इतना, डायरेक्टली करना क्या, दोनों का डिफरेंस हमने लिया, दोनों का हमेशा डिफरेंस लेना है, जब 2-3 साल की बात करेगा डिफरेंस लेना है, हमेशा वो ऊपर आएगा, फिर क्या करना है, इन दोनों में जो छोटी संख्या है उसको नीचे लीजिए, जो क्या है 2000 और मल्टीप्लाई किससे 100 से, ये फॉर्मूला है आपका रेट निकालने का। रेट कैसे निकलेगा, दोनों का अंतर लेना है, अंतर क्या है 2000, फिर क्या करना है हमको, छोटी वाली संख्या को हमने नीचे प्लेस करना है मल्टीप्लाई 100 से, और जब हम सॉल्व करेंगे तो यहां से हमें जो आंसर मिलेगा वो कितना मिलेगा 10%। आप अमाउंट के फॉर्मूले से भी कर सकते थे, वहां से भी आंसर सेम ही मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा प्रोसेस लेंथी हो जाएगा। डायरेक्टली क्या करना है, दोनों का डिफरेंस लेना है, छोटा नंबर नीचे इंटू 100, ये फॉर्मूला कौन सा है, रेट निकालने का। कंडीशन तभी है जब आपके पास में अंतर कितना हो 2 और 3 साल का गिवन हो, तब आप फॉलो करोगे तो आंसर आपको इस तरह से मिलेगा, राइट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अब देखिए क्वेश्चन है डायमंड वर्क से, इस क्वेश्चन को करने से पहले हम ऑप्शन को भी यूज करेंगे कैसे। आप इक्वेशन देखिए, हमने अभी आपसे बताया कि एसटी डिस्कशन का जो माध्यम है हमारे, आपसे एसटी डिस्कशन का माध्यम यही है कि हम स्टूडेंट्स को ये समझाएं एग्जाम में अप्रोच क्या होनी चाहिए, कि आप कैसे क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करो, क्योंकि हम सभी को पता है इतना समय नहीं है कि आप एक क्वेश्चन को कम से कम 2 या 3 मिनट दो। अगर एक क्वेश्चन 2 या 3 मिनट ले रहा है, इसका मतलब आप 35 क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, ऐसा नहीं है। हम क्या करेंगे, मिनिमम टाइम कैसे देना है, इस एसटी के माध्यम से हम यही समझा रहे हैं, तो इसी क्वेश्चन पे भी बात करते हैं। आइए समझते हैं, ए एक कार्य को बी द्वारा उसी कार्य को करने लिए गए समय से 5 दिन कम में पूरा करता है। क्वेश्चन क्या, दोबारा पढ़िए, क्वेश्चन कह रहा है कि ए एक कार्य को बी द्वारा उसी कार्य को करने में लिए गए समय से 5 दिन कम लेता है, कौन ए। अगर बी एक्स दिन में करता है तो ए 5 दिन कम, एक्स माइनस 5, दोनों मिलकर उसी काम को 11/1/9 दिन में करते हैं, तो बी कितने में करेगा। ए का हमने एक्स माना तो 1 डे में कितना हो जाएगा 1/x, इसका एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू ए का 1 डे का वर्ग बी का 1 डे, और पूरा कितना गिवन है देखिए, ये जाएगा कितना 19+100 यानी कितना हो जाएगा। अब यहां से आप सॉल्व करोगे जो आपको x का मान मिलेगा वही इसका आंसर होगा। थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, आप सभी को दिखाई दे रहा है कि आप जब सॉल्व करोगे इक्वेशंस बनेंगी, x निकलेगा, थोड़ा सा लेंथी। ऑप्शन पिक करके कैसे बनाएंगे यानी जल्दी कैसे बनाएंगे, आप देखिए
ये क्या गिवन है, 11 सही 1/9। इसी पे एक नजर डालें, कितना गिवन है 100/9। 100/9 दोनों के दिन हैं और हमें पता है दिन जो निकलते हैं वो क्या निकलते हैं, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। ऐसा अगर हम बोल लें कि जो वर्क है वो कितना है 100 और जो इनकी एफिशिएंसी है वो कितनी है 9। अब ऑप्शन से देखिए, ए जो था वो क्या कर रहा था, बी से 5 दिन कम ले रहा था, बी का निकालना है। ऑप्शन देखिए, अगर मैं बी को पिक कर लेता हूं 25, बी मैंने कितना पिक किया 25, समझना मैं क्या कह रहा हूं, बी को मैंने पिक कर लिया कितना 25। अगर बी को हमने लिया 25 तो ए कितना हो जाएगा, 5 दिन कम ले रहा था। ऑप्शन पिक कीजिए, काम कितना हो गया 100, यहां से ये 5, यहां से 4, दोनों का सम कितना हो गया 9। सेटिस्फाई कर रहा है, देखिए 100/9। ऐसे अगर मैं ऑप्शन पिक करता यहां से 20, तो अगर बी कर रहा है 20 तो ए कितना होगा, 5 दिन का मिलेगा। अगेन आप सॉल्व करोगे, यहां से कितना मिलेगा 60 और ये 3 और ये 4, यहां से मिलेगा 60/7। लेकिन चाहिए हमें कितना था 100/9, तो क्लियरली दिखाई दे रहा है कि 25 ही है जिसपे कंडीशन फॉलो करेगी, 30 25 की बात करें तो फॉलो नहीं करेगी। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 100/9 कब होगा, जब ए हो जाएगा हमारा कितना 20 और बी हो जाएगा हमारा कितना 25, तब ये कंडीशन फॉलो करेगी। तो क्वेश्चन ने बोला कि बी अकेला कितने दिन में करेगा, तो आंसर कितना हो जाएगा 25 दिन। तो हमने देखा क्वेश्चन कितना, अगर आप एक्स मान के करते जितने में उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करते, इतने में क्वेश्चन में आप इस सॉल्यूशन का आंसर भी दे दोगे और अगला जो क्वेश्चन है आप उसको भी कर लोगे। तो ये कुछ स्मार्टनेस तरीके हैं क्वेश्चन को जल्दी करने के बाय यूजिंग ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पर नजर डालें, तो अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है पार्टनरशिप से। इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो उससे पहले एक बात समझिए, पार्टनरशिप में होता क्या है, देखिए जिस रेशियो में इन्वेस्टमेंट होती है, यानी इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो होगा, जिस अनुपात में वो निवेश करते हैं वही अनुपात में उनका लाभ क्या होता है, विभाजित होता है। मतलब जिस अनुपात में इन्वेस्टमेंट होती है उसी रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है। मतलब समझिए, राजू ने 75,000 लगाए एक व्यापार को आरंभ करने में, 4 महीने बाद कौन आया, संजू, कितने पैसे लेके 1,12,500। जो भी बिजनेस होगा पूरे 12 महीनों के लिए चलता है, क्योंकि यहां पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कितने पैसे लाया 75,000, ना ही इसने बीच में पैसे निकाले ना ही बीच में ऐड किए, क्योंकि ठीक, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, क्योंकि इसने पूरे 12 महीने व्यापार किया। संजू चूंकि 4 महीने बाद आया था, अब जो इसका व्यापार है कितने महीनों के लिए होगा, बचे हुए 8 महीनों के लिए, तो मल्टीप्लाई किससे कर देंगे हम 8 से। यहां से जब हम सॉल्व करेंगे तो यहां से हम इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालेंगे, तो हमारा इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा, 1:1। 1:1 में क्या है इनकी इन्वेस्टमेंट हुई। आगे क्वेश्चन को पढ़िए, वर्ष के अंत में कुल लाभ कितना हुआ 4500। वर्ष के अंत में जो लाभ हुआ 4500, तो संजू का भाग क्या, अभी क्या बताया था, जिस अनुपात में निवेश करेंगे उसी अनुपात में प्रॉफिट डिवाइड होगा, किसका चाहिए, संजू का, अनुपात 1 है, तो 1/2 × 4500। तो ये सॉल्व जवाब करोगे तो यहां से आपको कितना मिल जाएगा 2250, यानी संजू का जो हिस्सा है यानी संजू का जो भाग है वो कितना है 2250। ऑप्शन में चेक कर लेते हैं, ऑप्शन में अगर चेक करें तो दिखाई दे रहा है कि तीसरा ऑप्शन ही इसका क्या है सही उत्तर है, कि 2250 रुपए संजू का भाग यानी संजू का हिस्सा होगा। राइट, करना क्या है, बस एक चीज को दिमाग में रखना है कि जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा वही प्रॉफिट का रेशियो होता है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो अगले क्वेश्चन पर अगर नजर डालें तो अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है पाइप और सिस्टम से। क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन इजीली आएगा। ठीक है, पाइप और सिस्टम को हम बेसिक से भी करेंगे, यहाँ पर एक तरीका और समझाएंगे जो कि किस पे बेस्ड है, एलसीएम मेथड पे। क्वेश्चन क्या है पहले जानते हैं, 2 पाइप किसी टैंक को 10 घंटे 12 घंटे में भरता है, पाइप ए भरता है 10 घंटे में, पाइप बी भरता है 12 घंटे में, जबकि तीसरा पाइप पूरे टैंक को 20 घंटे में खाली करता है, 20 घंटे में खाली करता है। तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो कितना समय में पूरा भर जाएगा, आप 1/2 करके भी कर सकते हो, लेकिन एलसीएम मेथड से हम कैसे करेंगे, आइए देखिए, हमें लेना एलसीएम है, एलसीएम क्या हो जाएगा 60। एलसीएम है ये कैपेसिटी ऑफ टैंक है, कि जो टैंक की क्षमता है
वो कितनी है, 60 लीटर। आप इसको मान सकते हैं कि टंकी में जो पानी आएगा वो कितना आएगा, 60 लीटर। ये एक घंटे में कितना पानी, 6, ये घंटे में कितना पानी, 5, ये घंटे में कितना, 3। जो फिल कर रहा है, जो भर रहा है वो प्लस में रहेंगे और जो खाली कर रहा है वो माइनस का, यानी ये प्लस का और ये माइनस का। जब तीनों पाइप एक साथ ओपन है तो 6, 5, 11 जा रहा है, 3 निकाल रहा है, तो पानी कितना जा रहा है, 8। 6, 5, 11 में से 3 गए, 8, यानी जब तीनों पाइप ओपन है तो एक्चुअल जो पानी जा रहा है वो कितना जा रहा है, 8 लीटर। भरना कितना है, 60 लीटर, हमने ऐसा मान लिया। ये एक घंटे में और ये पूरा 60 भरना है तो कितना समय लगेगा, क्या करेंगे, 60 को जब आप डिवाइड करोगे 8 से, तो आपने देखा ये 2, तो यहां से निकल के आया 7.5 घंटे, यानी 7.5 घंटे में जो टंकी हमारी भर जाएगी। तो ऑप्शन पर एक नजर डालें तो ऑप्शन है, दूसरा ही ऑप्शन है कि 7.5 घंटे में टंकी भर जाएगी, राइट। तो अगले क्वेश्चन पर अगर नजर डालें तो अगला क्वेश्चन हमें गिवन है बोट एंड स्ट्रीम से। अब देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अगर हम ट्रेडिशनल तरीके से करेंगे तो बहुत समय लगेगा। इस क्वेश्चन में हम आपको एक ट्रिक बताएंगे। ट्रिक क्या है, ट्रिक को जानने से पहले बात कर लेते हैं इसके बेसिक मेथड की। ट्रेडिशनल वे क्या बोलता है कि नाव धारा के विपरीत जाती है 30 किलोमीटर, धारा की दिशा में 44, समय 10 घंटे कुल लिए। वही फिर कह रहा है कि उसी नाव उसी चाल से धारा विपरीत में 40 गई, धारा की दिशा में 55 जाती है, अब समय 13 घंटे, तो नाव की चाल हम सभी को पता है, नाव की चाल को हम, बोट की चाल को हम कितना मान लें, एक्स मान लें। यदि हम बोट की चाल को एक्स मान लें और जो करंट है यानी धारा है उसकी चाल को हम वाई मान लें, तो धारा के विपरीत में क्या होती है, माइनस हो जाता है, और धारा की दिशा में जो चाल होती है वो जुड़ जाती है। यानी अगर हम बोले अपस्ट्रीम में क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई, और डाउनस्ट्रीम में क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई। सभी को पता है कि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। धारा के विपरीत कितना गया, 30, तो 30/x-y, ये समय लगा उसको विपरीत में जाने का। धारा की दिशा में कितना आया वो, 44 किलोमीटर, 44/x+y, और जो दोनों का योग है वो कितना है, 10 घंटे। इक्वेशन पहली बनी हमारी, ऐसी दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, धारा के विपरीत 40, ये 40x-y 10, और धारा की दिशा में कितना आया, 55, और ये कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई, समय कितना लिया इसमें, 13 घंटे। अब आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, एक्स क्या है, बोट की चाल जो आपको निकालना है, और वाई क्या है, धारा की चाल। अब इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करने जाएंगे, कम से कम 2 मिनट हमको सॉल्व करने में लगेगा। जब इसको इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, यहां से फिर हमसे यू मान लेंगे, इसको वी मान लेंगे, फर्दर सॉल्व करेंगे, थोड़ा समय लग जाएगा। एक स्मार्ट तरीका देखिए इस क्वेश्चन को या ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का, आइए जानते हैं। सबसे पहले देखिए अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, अपस्ट्रीम में कितना किलोमीटर गया, 30, केस 1। डाउनस्ट्रीम में कितना गया, 44 किलोमीटर, केस 1 में अपस्ट्रीम में 30, इसमें 44। सेकेंड केस में अपस्ट्रीम में गया वो 40 और डाउनस्ट्रीम में कितना गया, 55। ऑलराइट, आपको HCF लेना है, आपको HCF लेना है, राइट। इन दोनों का जो HCF होगा वो हो जाएगा 10। समझना, स्मार्ट तरीका है जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करने का। यहां से जो HCF हमने लिया वो हमने कितना ले लिया, 11। ये अपस्ट्रीम, ये डाउनस्ट्रीम, हम ऐसा थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं ये अपस्ट्रीम की चाल है और ये डाउनस्ट्रीम की चाल है। यदि अपस्ट्रीम की चाल 10 है, डाउनस्ट्रीम की चाल क्या है, 11 है, समय कितना लिया, 10 घंटे, सेटिस्फाई करना चाहिए। अब देखिए चाल कितनी है, 10, डिस्टेंस कितनी, 30, तो कितने घंटे हो गए, 30 घंटे लगेंगे। यहां से चाल कितनी है, 11, डिस्टेंस कितनी, 44, घंटे कितने हो गए, 4, और यहां से घंटे कुल कितने हो गए, 7, लेकिन घंटे हैं कितने, 10, यानी घंटे 10 है यहाँ, 7 लग रहे हैं, अब किसे कम करना पड़ेगा। एक बात ध्यान दीजिए, डाउनस्ट्रीम की चाल हमेशा ज्यादा होती है किससे, अपस्ट्रीम की चाल से, तो हम कम किसे करेंगे, अपस्ट्रीम को। हमें 10 कैसे करना, देखिए अगर हम इसको 5 कर लें, 10 था हमारे पास में HCF,
इसी एक्सेप को अगर हम क्या कर लें कि हमने 5 ले लिया कि जो अपस्ट्रीम की चाल है वो कितनी है, 5 है, डाउनस्ट्रीम की चाल कितनी है, 11। अब ध्यान दीजिए, 5 अपस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम की चाल कितनी है, 11। अब 5 को इससे डिवाइड कीजिए, घंटे कितने हो जाएंगे, 6। यहां से घंटे कितने मिलेंगे, 4। जब दोनों को ऐड करेंगे तो घंटे कितने मिलेंगे, 10। देखो सेटिस्फाई कर रहा है, राइट। सेम यहां पर भी देखिए, 5 को इससे डिवाइड कीजिए कितना हो जाएगा, 8 घंटे, 11 से 5, तो 8 घंटे यहां से लगे और 5 घंटे यहां से, सेम ये भी सेटिस्फाई कर दिया। दोबारा बता रहे हैं क्या करना है, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम की आपने डिस्टेंस लिखी, डिस्टेंस का आपको एचसीएफ लेना है, अपस्ट्रीम का एचसीएफ, डाउनस्ट्रीम का एचसीएफ। अपस्ट्रीम का एचसीएफ 10 था, यहां पे 11 था, कंडीशन को हमने वेरीफाई कराया, 10 से 3 घंटे मिले, यहां से 4 घंटे, 7 घंटे पॉसिबल नहीं है क्योंकि घंटे हमारे 10 है। इसे कम किया, कम इसे ही क्यों किया, क्योंकि डाउनस्ट्रीम की स्पीड ज्यादा होती किससे, अपस्ट्रीम से। कम किया इसको, 5 ले लिया, एचसीएफ 5 भी पॉसिबल है, 5 ले लिया जब हमने इसको, तो 5 को जब हम इससे डिवाइड करेंगे 6, वहां से 4 घंटे मैच कर गए 10, यहां से मैच कर गए 13। तो इस कंक्लूजन पर हम पहुंचे, अपस्ट्रीम की चाल कितनी है, 5, डाउनस्ट्रीम की चाल कितनी है, 11। क्या निकालना है, बोट, सभी को पता है कि जब बोट की चाल निकालनी होती है दोनों को प्लस करते हैं और 2 से डिवाइड, आंसर कितना हो जाएगा। तो हमने देखा कि 2 लाइन में इसका आंसर आ गया। करना क्या है, एचसीएफ लेना है, कंडीशन सेटिस्फाई कराना है, जिस पे कंडीशन सेटिस्फाई करेगा वो आपकी अपस्ट्रीम की चाल, वो आपकी डाउनस्ट्रीम की चाल। जब अपस्ट्रीम की चाल मिल गई, डाउनस्ट्रीम की चाल मिल गई, फिर जो पूछ रहा है वो आपका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन ने पूछा शांत जल में नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा, अगर पूछता धारा की चाल, 11 में से 5 गए 6, 3 इसका आंसर, राइट। ऑप्शन बने डालें तो आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें जो ऑप्शन होगा, माफ कीजिए गलत दिखा यहाँ पे, इनमें से कोई एक 8 होगा, तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो जाएगा इसका। आपको बताया था कि कम से कम आपको 5 नंबर के एग्जाम में डीआई देखने को मिलेगी, क्योंकि ये प्री एग्जामिनेशन है, तो इसमें पॉसिबिलिटी ज्यादा है वो टेबल डीआई की ज्यादा है, कि टेबल डीआई आपको देखने को मिल सकती है। तो इस डीआई की अगर बात करें तो पहले समझ लें कि डीआई है क्या। डीआई कह रही है कि विभिन्न वर्षों में विभिन्न शहरों में प्राइमरी स्कूल में अध्यापिकाओं की संख्या तथा उनमें अध्यापकों तथा उनमें महिला अध्यापकों का प्रतिशत गिवन है। मतलब ये कहना चाह रहा है कि अगर हम 1980 की बात करें, 1980 में कुल अध्यापक कितने हैं, 7,200, इसमें जो महिलाएं हैं वो कितनी है, 42%। यानी जो डीआई गिवन है वो महिलाओं का हमें प्रतिशत गिवन है। अब एक क्वेश्चन पर नजर डालें, आइए क्वेश्चन हमें जो गिवन है पहला क्वेश्चन समझ लें। तो क्वेश्चन हमें गिवन है कि 2000 में महिला अध्यापकों की संख्या क्या है, महिला अध्यापकों की संख्या, महिलाओं की बात कर रहा है किसमें, वर्ष 2000 में। हम 2000 में अगर जाएंगे तो आप देखिए साफ साफ 2000 का कॉलम कौन सा है, ये वाला है, ये 2000 का कॉलम है कि 9650 क्या है, कुल है, और 40%। ऐसी सवाल इंडिविजुअल हम निकालेंगे तो हम डायरेक्टली आपको बता रहे हैं क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस्ड है। हालांकि ये क्वेश्चन कैलकुलेशन बेस्ड है, लेकिन हम करेंगे कैसे, हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं। 9650 का 40% ले लीजिए, 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, तो 4 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहां से मिलेगा 4 5 20, देन कैरी 2, आपको यहां से कितना मिलेगा, 4 6 24, और वहां से कितना मिला था, 4 5 24 मिलेगा, 24 और 2 वहां से कितना हो जाएगा। देखिए डायरेक्टली हम कैसे बता रहे हैं आपको, 9650 का निकालना है आपको कितना, 40%, क्योंकि हम कौन से वर्ष में हैं, सन 2000 में, महिलाओं की बात कर रहा है। 9650 का 40% कितना हो जाएगा, देखिए 2 जीरो आप कैंसिल हो जाएंगे पूरी पूरी, 4 पंच कितना हो जाएगा, 20 का 0, 4 छह कितना हो जाएगा, 24, और 2 कितना हो जाएगा, 26 का 6, 4 9 36 2 3 8 6 0, तो 3860 क्या मिला हमको, इसमें मिल गया। ऐसी अगर आप देखें तो यहां से हमें कितना मिला, 3860 मिला। ऐसी अगर हम सॉल्व करेंगे 9 7 इसका 37%, तो यहां से हम डायरेक्टली कितना मिल जाएगा हमको, 3552 मिल जाएगा। एज इट इज आप जो सॉल्व करोगे इंडिविजुअली, यहां से इसका 40% 37 42, देन 46 30 57, तो जो आप इस सबको ऐड करोगे और जो आपको ऐड करने पे यहां देखिए 3552 मिला। ऐसी अगर हम तीसरे की बात करें तो तीसरे को जब आप जोड़ोगे तो यहां से आपको मिलेगा 5250। ऐसी अगर आप चौथे की बात करोगे तो वहां से आपको मिलेगा 3910। कौन से वाला, 1 2 3 4 5 6, शहर गिवन है। तो अभी हम कौन शहर में, पांचवें शहर में,
इसको नाम दे दीजिए ए, बी इसको कह दीजिए सी, इसको डी, फिर ई, कहां तक जाना है हमको, एफ तक। तो ई की अगर बात करें तो ई में कितना हो जाएगा, देखिए 9250 का 30%, 30% कैसे निकालेंगे, देखिए 3 5 15, 20 कैंसिल, 3 2 6 और 1 7, 3 9 27। ये थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, क्वेश्चन कैलकुलेशन ज्यादा नहीं है, और आप देख रहे 0 0 कैंसिल हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन भी इजी है। यहां से देखिए क्या मिलेगा हमको, इसका जब हम 51% मिलेंगे तो राइट में कितना मिल जाएगा आपको 4, जब मल्टीप्लीकेशन आप करोगे 8700 का 51% तो आपको मिलेगा, यहां से देखिए 20 कैंसिल हो जाएंगे, लास्ट में 7 मिलेगा, तो 4437 डायरेक्टली। अब क्या करना है, सबको जोड़ना है, क्योंकि क्या सबका सम पूछ रहा था, देखिए 2 और 5 7 और 7 कितना 14। दोबारा देखिए 0 है, 2 और 5 7 और 7 14। अच्छा एक बात और, एग्जाम में जो क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेशन होता है उसके ऑप्शन उतने ही इजी होते हैं। इस क्वेश्चन में हमने देखा कि जब हमने मल्टीप्लाई हमने करी, मल्टीप्लाई करने पर हमको ये संख्याएं मिली, अब हमें ऐड भी करना है, तो इसके जो ऑप्शन है देखिए सब में 8 है, एक ही ऑप्शन इसमें 4 है, तो अगर हम जोड़ें देखिए 5 और 7 कितने हो जाएंगे 12, और ये कितना हो जाएगा, यहां से मिला हमको 14, 4 लास्ट में, तो इसका मतलब जो इसका आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 23784, राइट। यानी जो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 23784। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है, क्वेश्चन कह रहा है 2000 में शहर ई कहां है, ये रहा 2000 की बात करें तो 2000 पे अगर हम जाएं, ये रहा शहर ई, इसके बारे में बात कर रहा है, इसको थोड़ा और हाईलाइट करें तो यानी इस चीज की बात कर रहा है। आगे पढ़िए, महिलाओं की संख्या और 2010 में शहर बी में महिलाओं की संख्या के बीच अनुपात, ये और 2010 हमारा और शहर कौन सा है बी, माफ कीजिएगा शहर बी का मतलब ये वाला शहर बी, इन दोनों के मध्य क्या अनुपात है, तो यहां से अगर हम देखें शहर ई 2000 ये रहा मतलब 9250 डायरेक्टली कर लीजिए, परसेंट 20 कैंसिल इनटू कितना हो जाए 3 अनुपात। ऑल राइट, 2010 में शहर बी ये रहा, सेम यहां से भी क्या मिलेगा 105 × 37, वो 20 हमने वहां से कैंसिल कर दी। अब हमें अनुपात निकालना था, इनके बीच में अनुपात क्या होगा, तो अगर इसको सॉल्व हम करें, देखिए यहां से 5 से काट लीजिए या 3 से अगर आप कैंसिल करोगे, 3 3 9 3 5 15, यहां से कितना मिला 9 to 5 अनुपात 35 अनुपात कितना हो जाएगा 37। आगे अगर आप सॉल्व करोगे तो आप देखोगे कि इसको अगर हम कैंसिल करें तो ये पूरा कितनी बार कैंसिल हो जाएगा 63 times, तो यहां से हमें मिला, देखिए साफ साफ दिखाई दे रहा है, इसको अगर आप सॉल्व करो तो ये कितनी बार जाएगा 63 times, तो यहां से हमें जो अनुपात मिला वो कितना मिला 63 37। ऑप्शन में अगर नजर डालें तो ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन 63 37 जो होगा इसका सही आंसर होगा, राइट। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। 1990 में शहर डी में महिलाओं अध्यापकों की संख्या, शहर डी 1990 शहर डी कहां है, ये रहा मतलब इसकी बात कर रहा है, शहर डी में 39% है, लग की संख्या शहर ई में, शहर ई की बात करें तो शहर ई ये रहा, शहर ई में महिलाओं की संख्या कितना प्रतिशत है, शहर ई कौन सा वर्ष है, अगर देखें 1990 में कौन सा शहर डी और कोई वर्ष नहीं गिवन है, इसका मतलब 1990 की ही बात कर रहा है, तो देखिए क्या करेंगे, शहर डी कितना प्रतिशत है किसका, शहर ई का, शहर डी ये रहा और शहर डी ये रहा हमारा, शहर डी 1990 और शहर ई हमारा ये रहा, तो क्या करेंगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से हमको मिला क्या मिलेगा, देखिए 1990 ये रहा आपका 1990 कौन सा शहर डी, शहर डी 1990 देखिए ये रहा, राइट। तो यहां से मिला 8200 का 39, ये किसका पूछ रहा था, शहर ई का, महिलाओं की संख्या उसी वर्ष में, शहर ई हमारा ये रहा 880
इंटू कितना परसेंट हमें गिवन था यहां से, ये 57 और ये कितना हो जाएगा इंटू 100। जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने पर यहां से जब आप इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने पर यहां से आपको जो फाइनल आंसर मिलेगा वो कितना मिलेगा, लगभग 86%। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद जो आपको यहां से मिलेगा वो कितना मिलेगा, 86%। यानी 86% लगभग क्या है, 1990 में शहर डी में महिलाएं 86% है, किसका, शहर ई का। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन, मतलब 86%। राइट, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सभी वर्षों में शहर सी में कुल पुरुष अध्यापकों की संख्या क्या है। अब ध्यान दीजिए, क्या पूछ लिया, पुरुष अध्यापकों की संख्या शहर सी में। सी की अगर बात करें, देखिए साफ साफ दिखाई दे रहा है ये क्या है, शहर सी। अगर 56% आपके महिलाएं हैं तो पुरुष कितने हुए, 100% होगा डेटा। 56% जब महिलाएं हैं तो आप 100 में से 56 को माइनस कीजिए, कितना होगा, 44%। इसका मतलब इसमें जो मेल हैं वो कितने हैं, 44। तो मेल निकालने के लिए क्या करेंगे, दो जीरो कैंसल, डायरेक्टली 85 की मल्टीप्लाई किससे कीजिए, 44 से कीजिए। मल्टीप्लाई जब आप करोगे 85 की 44 से, यहां से आपको मिलेगा, देखिए 5 × 6 = 20, 2 × 8 = 32, 5 × 6 = 20, यहां से 4 × 5 कितना होगा, 20 × 2, 8 × 32 और कितना हो जाएगा, 20, 32 और 20 कितना, 52, 54 × 4 कैरी, 8 × 32 और 5 कितना, 3740। तो यहां से हमने देखा कि हमारे मेल कैसे निकले, दोबारा बता रहे मेल कैसे निकालने हैं। फीमेल जब 56% है और कुल कितने हैं, 8500, तो एक बात देखिए, फीमेल कितनी है, 56, मेल कितने हो जाएंगे, 44, तो 8500 × 44 कितना हो जाएगा, 3740। ऐसे अगर 1990 में कितना हो जाएगा, 3740। ऐसी अगर अगले में जाएं इसमें, तो क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे, क्योंकि कितना परसेंट है ये, देखिए 39, तो वो कितना हो जाएगा, माइनस कर लीजिए 100 में से। जब आप सॉल्व करोगे यहां से आपको हम डायरेक्ट गए कितना मिलेगा, 5782। ऐसी जब आप इसका निकालोगे मेल तो यहां से आपको मिलेगा 7250। ऐसे जब आप लास्ट में जाओगे तो यहां से आपको मिलेगा, देखिए ये 48% है, तो मेल क्या हो जाएंगे, यहां से 42, यहां से देख 48% है तो मेल कितना हो जाएगा, 52। जब आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 600। ऐड कीजिए लास्ट में कितना, 2, लास्ट में 2, 2 फॉलो कर रहे हैं, कोई सा भी आंसर हो सकता है। देन 8, 4, 12 और 5, 17, 17 का मतलब 7, लास्ट में 72, इसका मतलब यही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2, 3, 7, मतलब 23372 पुरुष हैं शहर सी में। तो हमने देखा स्मार्ट तरीका यही है डीआई को सॉल्व करने का। देखो डीआई में कैलकुलेशन का योगदान रहेगा, लेकिन यहां पर आपकी स्मार्टनेस काम करेगी। स्मार्टनेस क्या है कि आप मल्टीप्लाई प्लस माइनस कितना जल्दी कर सकते हैं, और अप्रोच यही है जब एडिशन करना हो तो लास्ट के दो या लास्ट के सिंगल डिजिट को चेक करके आप ऑप्शन के साथ जाइए। राइट, चलिए बढ़ते हैं अपने अंतिम प्रश्न की ओर, जो कि बेस्ड है किसमें, डीआई पे। लास्ट क्वेश्चन जो हमें गिवन है क्या है, आइए देखते हैं। 2000 से दो ने देखा कि कैलकुलेशन रोल प्ले करेगी। इस क्वेश्चन की अगर बात करें, पहले क्वेश्चन को समझे, क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन कह रहा है कि 2000 से 2010 में शहर बी में महिला अध्यापकों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। सबसे पहले हम निकालेंगे कि 2000 में कितनी महिलाएं हैं और 2010 में कितनी महिलाएं हैं। देखिए 2000 की बात करें तो देखिए सन 2000 में कौन सा शहर है, शहर बी, ये रहा देखिए शहर बी, मतलब 9600 का 37%। जब आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा, जब आप मल्टीप्लाई करोगे ये मिलेगा आपको 3552। यानी सन 2000 में जो महिलाएं हैं बी शहर में वो कितनी है, 3552 महिलाएं हैं। अब 2010 की अगर बात करें तो 2010 में शहर बी में महिलाएं कितनी है, देखिए 105 × 45%। जब आप सॉल्व करोगे तो यहां से आपको मिलेगा 4725। ये 2000 में थी, 2010 में, 2000 में दिखाई दे रहा है कम थी, 2010 में ज्यादा हो गई। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ये नंबर इससे कितना परसेंट ज्यादा है,
लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि जब इस तरह से पूछे तो डिफरेंस लेना है। तो जब हमने डिफरेंस लिया, पांच में से दो गया तीन, राइट, बारह में से पांच गए सात, तो यहां से हमने देखा कि जो हमें डिफरेंस मिला वो कितना मिला, 1173, क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं 2010 को 2000 से कि ये इससे कितना ज्यादा है, किसको इसको इससे कंपेयर कर रहे हैं, तो नीचे कौन आ जाएगा, 3552 इंटू कितना 100। रिपीट कर रहे हैं, 2000 में महिलाएं निकाली, 2010 में महिलाएं निकाली, चेक किया 1173 महिलाएं बढ़ चुकी थी, कितना प्रतिशत है किसका इस पे चेक करेंगे, 3552 इंटू 100। जब हमने सॉल्व किया तो देखा कि ये अप्रोक्सीमेट कितना हो जाएगा, 33%। जब हमने सॉल्व किया देखा ये अप्रोक्सीमेट कितना आ रहा है, ये 33% क्या है, अधिक है। ऑप्शन में नजर डालें तो पहला नहीं दूसरा ही जो ऑप्शन होगा हमारा वो सही आंसर होगा, मतलब इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो कितना है, 33% की 33% अधिक है। तो इस ऐसी डिस्कशन में बस इतना ही। तो आज हमने क्या देखा, कुछ क्वेश्चन पे हमने बात करी कि ऑप्शन से हम कैसे करेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अभी हम देखिए डीजी पेज पे भी हम लोग बात कर रहे हैं, साथ ही साथ डिस्कशन पे भी हम आपको बता रहे हैं कि आप एग्जाम में कैसे करिए। एट लास्ट थैंक यू, और आपकी सफलता ही क्या है, हमारी सफलता है। और आप हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं यूट्यूब चैनल पर, और हमारी साइट भी है www.mahindraguru.com। एट लास्ट थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।